आठ एपिसोड्स, आठ अलग अलग कहानियां। वेल, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सीरीज कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज कुछ ऐसे ही है, जिसमें कुल आठ एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड को अलग अलग ऑस्कर विनर डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। ऐसे में हर एक एपिसोड की कहानी डिफरेंट है और इस पूरे सीरीज को हमारे सामने लेकर आए हैं गुलर्मो डेल टोरो। तो आज की वीडियो में हम आठों कहानी को जानेंगे, यानी कि ये वीडियो काफी लंबी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। फन फैक्ट, ये मेरे चैनल की आज तक की सबसे लंबी वीडियो है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक जनरल रिमाइंडर कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर ले, ताकि आप आगे की वीडियोस मिस न करें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज का आगाज गुलर्मो डेल टोरो खुद करते हैं, जहां वो कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने समय में कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी एक तरह का कलेक्शन था जिसके अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, लाइक बुक्स, पेंटिंग्स, स्पेसिमेन ऑफ नेचुरल और अननेचुरल हिस्ट्री, अ ड्रैगन्स टूथ, अ यूनिकॉर्न्स हेयर इत्यादि। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इन सब से एक कहानी जुड़ी होती है, और पहले एपिसोड के लिए जो सामान हमें मिलता है वो है एक की टू अ स्टोरेज रूम, और इसीलिए कहानी का नाम है लॉट 36। इसके डायरेक्टर है गुलर्मो नवारो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रहा होता है, और न्यूज़ में यूएस के ईरान और कुवैत पे करे गए अटैक वाली बात हो रही थी। देन ये बूढ़ा इंसान टेबल पे जाकर कुछ अजीब से क्रीचर को नाइफ से काटने लग जाता है, और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इसके पास किसी स्टोरेज यूनिट की चाबी थी जिसका नंबर था 36। नाउ कटिंग के दौरान क्रीचर का हेड नीचे गिरता है, और तभी नीचे झुकने की वजह से बूढ़े इंसान को हार्ट अटैक आता है और वो मारा जाता है। यहाँ से कहानी निक नामक इंसान पे शिफ्ट करती है, जो कि काइंड ऑफ रेसिस्ट था और वो सीधा मुंह किसी से बात नहीं करता था। फिलहाल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इनफैक्ट वो कुछ लोगों को $12,000 ओ करता था जो कि उस पर प्रेशर बना रहे थे। नाउ निक यूजुअली स्टोरेज यूनिट्स के अनोन स्टोरेज को खरीद कर वहां रखे सामान को बेचता था। फॉर एग्जाम्पल, पहले सीन में जो बूढ़ा मरा वो स्टोरेज यूनिट में स्टोरेज नंबर 36 ओन करता था। तो अब क्योंकि वो मर चुका है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसके लॉकर के सामान को बिड किया जाएगा बाय स्टोरेज ओनर, और निक इसी बिड में स्टोरेज के मटेरियल को खरीद कर बेचता था। आज स्टोरेज ओनर एडी पहले सीन वाले बूढ़े इंसान के स्टोरेज नंबर 36 को बिड करता है, और निक इसे $400 में खरीद लेता है। अब जब वो स्टोरेज की चाबी लेने एडी के ऑफिस जाता है, तो एडी उसे सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज दिखाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि वो बूढ़ा इंसान दशकों से हर रोज अपने स्टोरेज 36 में एक बैग लेकर आता था, देन वो अजीब तरह से हॉप करके अंदर जाता था, और जब वो बाहर निकलता था तो उसका बैग खाली होता था। नाउ दिस वाज वियर्ड, लेकिन निक इस पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको तो बस जल्दी से स्टोरेज का सामान चेक करना था ताकि वो पैसे बना सके। तो निक के चाबी लेने के बाद अमीलिया नाम की एक लेडी स्टोरेज यूनिट में आती है, जो कि स्टोरेज नंबर 87 की ओनर थी, लेकिन कुछ महीनों से वो एकदम आउट ऑफ रीच थी, जिस वजह से एडी को लगा कि वो शायद नहीं रही, इसीलिए उनके स्टोरेज को वो बेच डाला था। खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि निक ही था, और ऐसे में अमीलिया निक से गुहार लगाती है कि वो उसे एटलीस्ट स्टोरेज में रखे लेटर्स और फोटोज वगैरह दे दे, क्योंकि उनका एनी हाउ निक को कोई पैसा नहीं मिलना। लेकिन कि यहां अमीलिया की कोई मदद नहीं करता, इनफैक्ट वो अमीलिया के स्पैनिश होने पे उन पे भड़कता भी है। इसके बाद निक स्टोरेज नंबर 36 को खोल के उसे चेक करना शुरू करता है, और सबसे पहली चीज जो वो नोटिस करता है वो ये कि ये वाली स्टोरेज यूनिट बाकी यूनिट से थोड़ी छोटी थी। देन उसे यहाँ नाजी से रिलेटेड कुछ फोटोज मिलती हैं, देन कुछ सामान वगैरह जिसे लेकर वो बेचने निकलता है। अब जैसे ही निक कार में बैठता है, एक इंसान उस पर अटैक कर देता है, और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि उसके मनी लेंडर का आदमी था, जो कि निक को लास्ट वार्निंग देने आया था ताकि निक उसे पैसा लौटाए। वो निक के बढ़िया कार की विंडो और विंडशील्ड भी तोड़ देता है। इंजर्ड निक एडी के ऑफिस में फर्स्ट एड करता है, और यहाँ एडी देखता है कि निक को कुछ अजीब सामान मिले थे इन स्टोरेज, जो कि ऑकल्ट से जुड़े थे। ऐसे में एडी निक को अगाथा नामक लेडी का एड्रेस देता है, जो कि इस तरह के सामान में डील करती थी। निक अगाथा के यहाँ पहुंचता है और मिले हुए सामान का डील करने लगता है, जिसके लिए उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन यहाँ अगाथा की नजर निक द्वारा लाए एक स्टॉन्स बोर्ड पे पड़ती है, जो कि काफी ऑथेंटिक थी। वो इस बोर्ड में एक सीक्रेट स्विच दबाती है, जिससे बोर्ड के नीचे एक चेम्बर खुलता है, और उसमें तीन किताबें थी।
इन किताबों का नाम था लिबर प्राइमस डाइमोनिया, लाइबर सेकुंडस सिम्बोलिया और लाइबर टर्शियस पेरालिप्सी। अब अगाथा इन किताबों के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वो अपने एक एसोसिएट रोलैंड को बुलाती है जो कि इन सब में माहिर था। रोलैंड फौरन यहाँ आता है और वो कहता है कि ये सियोन्स बोर्ड सच में बढ़िया है, जिसे खून से ट्रीट किया गया है ताकि इसकी मदद से डीमन को समन किया जा सके। अब जैसे ही रोलैंड की नजर उन तीन किताबों पे पड़ती है, वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये बहुत ही रेयर सैटैनिक बुक्स थी। रोलैंड कहता है कि इन तीन बुक्स की वो इंस्टेंटली $10,000 दे सकता है, लेकिन इसकी एक फोर्थ बुक भी है जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक है, और अगर निक रोलैंड को चौथी किताब ढूंढ कर दे दे तो वो $300,000 का चेक अभी के अभी काट देगा। यहाँ में पता चलता है कि चौथी किताब का नाम लिबर क्वार्टर सैक्रमेंटम है और उसमें कुछ ऐसे स्पेल्स और सिंबल्स हैं जिनकी मदद से डीमन तक को बुलाकर कैद किया जा सकता है। अब ये किताब सबसे रेयरेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका जब इस्तेमाल होता है डीमंस वगैरह को बुलाने के लिए, तो इस्तेमाल होने के बाद किताब अपने आप जल जाती है। बेसिकली डीमन इसे जला देता है, लेकिन अगर डीमन को बुलाने वाला इंसान डीमन को धोखा दे दे तो ये किताब बच सकती है, विच इज रेयर। सो यू सी, ये किसी के पास होती ही नहीं और इसीलिए इस चौथे किताब की वैल्यू सबसे ज्यादा है। वेल, ये सब सुनकर निक फौरन रोलैंड के साथ अपने कार में स्टोरेज यूनिट की ओर जाने लगता है ताकि वो दोनों मिलकर चौथी किताब वहां ढूंढ सके। कार में ये दोनों बात करने लगते हैं, जहां में पता चलता है कि रोलैंड को उस बूढ़े इंसान के बारे में कुछ बातें पता थी जिसका ओरिजिनली ये स्टोरेज यूनिट 36 हुआ करता था। रोलैंड बताता है कि बूढ़े का परिवार काफी अमीर था और उनका यूरोप में स्टील का धंधा हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उनका परिवार अमेरिका आया, जहां वो लोग वेपन्स वगैरह बनाने लगे, लेकिन ये वेपन्स वो नाजीज के लिए बनाते थे। अब वो बूढ़ा इंसान जो कि स्टोरेज यूनिट का ओनर था, वो खुद एक बहुत ही ईविल टाइप का इंसान था। वो अपना धन दौलत जुए में खो दिया, अपना परिवार बर्बाद किया और लोग तो ये तक मानते हैं कि वो ऑकल्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करने लग गया था। एक बार वो एक ईविल एंटिटी को हमारी दुनिया में लाया और उसे एक वेसल दिया टू ऑक्यूपाई, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी। जी हाँ दोस्तों, बूढ़ा अपनी बहन को ही ईविल से पजस करवा दिया था एंड देन वो उस ईविल डीमन तक को धोखा दिया। अब इस पॉइंट पे निक और रोलैंड स्टोरेज प्लेस पे पहुंच जाते हैं और ये दोनों स्टोरेज यूनिट 36 में चौथी किताब ढूंढने लगते हैं। यहाँ ये दोनों नोटिस करते हैं कि यूनिट की बैक वॉल हॉलो थी और ऐसे में निक वॉल को समहाउ खोल लेता है। अंदर एक सीक्रेट चेम्बर था जो कि किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस जैसा दिख रहा था और यहाँ रोलैंड काफी सावधानी बरत रहा था। इस पॉइंट में हम भी उसे समझ पाते हैं कि क्यों ये स्टोरेज यूनिट पहले थोड़ा छोटा लग रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट वॉल था और उसके पीछे ऑकल्ट चेम्बर। खैर, हम देख पाते हैं कि चेम्बर के बीचों बीच कुछ सिंबल्स वगैरह बने हुए थे और वहां उस बूढ़े इंसान के बहन की लाश ऐसे पड़ी थी मानो वो ट्रैप्ड हो। उस लाश का चेहरा नहीं था और रोलैंड निक से सावधानी बरतने को कहता है क्योंकि एक छोटी गलती से भी ईविल एंटिटी जाग सकती है। वहीं पास ही चौथी किताब थी और ऐसे में निक बिना परवाह किए सिंबल्स और सर्कल्स में एंटर करके क्रॉस करने लगता है ताकि वो किताब को जल्दी से हासिल कर सके। रोलैंड चिल्ला कर मना करता है, लेकिन अब तक लाश के अंदर से एक एंटिटी जाग कर बाहर आ चुकी थी। ये एंटिटी रोलैंड को निगल लेती है और इसके ठीक बाद चौथी किताब जल जाती है। निक फौरन यहां से भागता है, लेकिन ये एंटिटी उसके पीछे पड़ गई थी। भागते हुए निक स्टोरेज प्लेस के एक डोर तक पहुंचता है जो कि बाहर से बंद था, लेकिन तभी वो बाहर अमीलिया को देखता है और उनसे मदद मांगता है। अमीलिया, जिसकी मदद निक बिल्कुल भी नहीं करा था, वो भी निक को वहां से नहीं निकालती और ऐसे में ये एंटिटी निक को भी मार डालती है। इसी के साथ पहली कहानी खत्म। सो एज यू सी, ये कहानी एक इंसान के ग्रीड को दर्शाती है। आई मीन, निक बस 12 के ओ करता था और तीन बुक्स के उसे 10,000 मिल रहे थे। इसके अलावा बाकी मटेरियल्स के भी उसे अच्छे पैसे मिले थे, जिससे ना सिर्फ वो अपना कर्ज चुका देता बल्कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच भी जाते। लेकिन वो रिस्क लेकर चौथी किताब लाने गया और ऐसे में वो मारा गया। अब चौथी किताब लाने गया था वहां तक भी ठीक था, वो ले सकता था चौथी किताब, लेकिन हम देखते हैं कि निक में ग्रीड के अलावा बहुत ही डिसरेस्पेक्ट करने की आदत थी लोगों को, और इसीलिए वो ब्रेन वॉश होकर रेसिस्ट बन चुका था। उसे दूसरे के बिलीव्स की कोई कदर नहीं थी और अपने एरोगेंस में वो एंड में एंटिटी को जगा दिया, वरना रोलैंड उसे बिना एंटिटी को जगाए किताब को हासिल करने का तरीका बता ही देता। अब वो बूढ़ा इंसान रोज अपने स्टोरेज यूनिट में मोस्टली अपनी बहन के अंदर वाली डीमन को ही फीड करने जाता था और अपने बैग में वो मोस्टली फ्लैश वगैरह रखता था जो कि डीमन का खाना होगा। स्टार्टिंग के सीन में हम देखते भी हैं कि वो मांस वगैरह काट रहा था।
अब जबकि आप पहली कहानी को अच्छे से समझ चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टोरी जिसका नाम है द ग्रेवयार्ड रैट्स और इसे विंसेंजो नैटली ने डायरेक्ट करा है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो ग्रेवयार्ड रॉबर्स या फिर आप चोर भी कह सकते हैं उन्हें हम देखते हैं जो कि एक कब्र को वापस खोलकर कीमती सामान चुरा रहे थे। अब जिन्हें ग्रेवयार्ड रॉबर्स या थीफ के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वेस्ट में मरने के बाद लोगों को बढ़िया ड्रेस वगैरह पहनाकर दफनाया जाता है और कई बार वो कुछ हार रिंग्स या ऐसी कीमती चीज के साथ अपने कब्र में डाले जाते हैं। ऐसे में चोर लोग बड़ियल के बाद कब्र खोदकर ये कीमती चीज निकाल लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि तभी ग्रेवयार्ड का केयरटेकर मैसन इन दोनों चोरों को धमकाकर भगा देता है। वो उनसे चोरी किया हुआ सामान भी ले लेता है और इस पॉइंट पर पता चलता है कि मैसन खुद ये चोरी का काम करता था। जी हाँ, वो इस खुले ग्रेव में घुसकर लाश के दांत चेक करता है क्योंकि उस जमाने में कई लोग गोल्ड वाले दांत लगवाते थे और यहाँ उस लाश में ऐसी ही एक दांत मिल भी जाती है। वो इस दांत को निकालता है लेकिन गलती से वो गोल्डन टूथ ग्रेव में नीचे गिर जाता है जिसे मेसन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक चूहा काट लेता है जिससे मेसन इतना इरिटेट होता है कि वो चूहे को शूट करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट सीन में मेसन चुराए हुए सामान को बेचने जाता है जहां समझ पाते हैं कि इन सामानों की ज्यादा वैल्यू नहीं थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी नकली थी। नाउ मेसन जिन लोगों से डील करता था उनका हर महीने का टारगेट होता था जिसे मेसन बहुत समय से पूरा नहीं कर पाया था। साथ ही मेसन उनके उधार तले डूबा हुआ भी था। मेसन का कहना था कि उसके ग्रेवयार्ड में इतने चूहे हो गए हैं कि वो लाशों को ले जाते हैं और मेसन लाशों को रॉब तक कर नहीं पाता। अब ऑब्वियसली इस चूहे वाली बात सुनकर नो वन वाज कन्विंस्ड और वो मेसन को मार डालने की धमकी देते हैं। ऐसे में मेसन उनसे एक हफ्ते का समय मांगता है ताकि वो उधार चुका सके। इसके बाद मेसन सबसे पहले अपने दोस्त डूली के पास जाता है जो कि मॉर्ग यानी मुर्दा घर में काम करता था। पास्ट में मेसन और डूली शायद साथ में काम किया करते थे जहां मेसन मुर्दा घर से लाशों की गोल्ड फिलिंग्स वाले दांत निकाल लेता था और उसका कुछ कट डूली को भी देता था, लेकिन अब डूली ये सब नहीं करना चाहता था। ऐसे में मेसन डूली को शायद किसी तरह का ड्रग्स ऑफर करके मना लेता है और वो मोर्ग के लाशों को चेक करता है जो कि मोस्टली उसके काम की नहीं थी। फिर मेसन की नजर एक एरिया पे पड़ती है जो कि कवर्ड था और ऐसे में वो जबरदस्ती इस एरिया में जाता है जहां एक बहुत अमीर इंसान की लाश थी। जी हां, उसके मुंह में कई गोल्ड के दांत थे और ये देखकर मेसन बहुत खुश हो जाता है। डूली उसे इस लाश की दांत निकालने से मना करता है। इसी बहस के बीच उस अमीर इंसान के कुछ रिलेटिव्स यहां आते हैं जिन्हें देखकर मेसन और डूली छिप जाते हैं। इन रिलेटिव्स की बातों से हमें पता चलता है कि वो मृत इंसान एक बहुत अमीर शिपिंग मर्चेंट था और उसकी बीवी फ्यूनरल के लिए उसे बहुत अच्छे से तैयार करने को कहती है। इनफैक्ट उसके हाथ में एक सेबर रखा जाएगा जो कि उसे खुद किंग जॉर्ज ने गिफ्ट करा था। ये सब सुनकर मेसन डिसाइड्स कि वो लाश के दफन होने तक का इंतजार करेगा क्योंकि इस सेबर का कॉस्ट तो बहुत होगा और वो सब कुछ बेचकर मालामाल हो जाएगा। अब उस रात मेसन को अपने घर में एक नाइटमेयर आता है जहां उसके छत से कई चूहे उसके ऊपर कूद जाते हैं। इस सीन से हमें दो बातें पता चलती है, एक तो ये कि मेसन इन चूहों से सच में बहुत परेशान हो चुका था और दूसरी बात यह कि वो काफी गरीबी में जी रहा था। हमें उसका घर एक वैश्य घर से वॉल शेयर करता था। खैर, अगले दिन फ्यूनरल सेरेमनी के बाद उस मर्चेंट का बरियल वगैरह होता है जिसके बाद रात को मेसन ग्रेव को खोलना शुरू करता है। अब जैसे ही वो ग्रेव ओपन करता है उसे ये ग्रेव खाली दिखता है। जी हाँ, विच मींस कि चूहे लाश को उठाकर ले गए थे। वहीं नीचे एक इंसान के घुस जाने तक जितना बड़ा होल था और भले ही मेसन को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, स्टिल लालच में वो चूहों के पीछे इस होल में घुसता है। नाउ एज एक्सपेक्टेड मेसन इस छोटी सी अंडरग्राउंड टनल में काफी स्ट्रगल करता है और अपने सामने वो चूहों को देख पाता है जो कि लाश को खींच के ले जा रहे थे। ये अंडरग्राउंड होल जैसी टनल बहुत बड़ी थी और यहाँ कई रास्ते थे। साथ ही मेसन इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक होकर परेशान हो गया था कि वो चूहों को शूट करने लगता है। अब इस गोली की आवाज से कोई तो जागता है और एज अ व्यूअर हम एक इंसान जितना बड़ा चूहा को देख पाते हैं जो कि अंधा था। ये मेसन के काफी करीब आता है टू ईट हिम, लेकिन मेसन उसे शूट करके भागता है। इस पूरे भागदौड़ में मेसन खुद भी चोटिल हो गया था और भागते भागते वो एक होल से सीधा नीचे गिरता है। नाउ इस जगह पे कई इंसानी कंकाल थे और इन कंकालों के बीच कई बेशकीमती जवाहरात थे। जी हाँ, ये जगह पुराने जमाने में ब्लैक चर्च जैसा था जहां शायद टेंटिकल्ड एल्ड्रिक गॉड को पूजा जाता था जो कि बेसिकली लवक्राफ्टियन यूनिवर्स के एंटिटी या गॉड्स हैं। हम उसकी एक मूर्ति भी देख पाते हैं विच अगेन प्रूव्स कि ये लोग यहां गॉड की पूजा करते थे और ये एक कल्ट जैसा था। नाउ ये गॉड नॉर्मल गॉड नहीं थे, कोई मॉन्स्टर जैसा था लवक्राफ्टियन यूनिवर्स का। एनीवेज, अब वहीं पे मेसन को एक लाश दिखती है जो कि प्रेइंग पोजीशन में थी और इस लाश के गले में एक लॉकेट ज्वेलरी थी जो कि इस गॉड को डिपिक्ट करती थी। अब ऑब्वियसली ये लॉकेट चेन सहित काफी नायाब और बेशकीमती होगी, इसलिए मेसन इसे निकाल लेता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही ये लाश काइंड ऑफ जीवित हो जाता है जिसके बाद वो माइन माइन करके मेसन पे अटैक कर देता है। माइन माइन मतलब मेरा है, मेरा है। सो बेसिकली ये लाश कह रहा था कि वो लॉकेट उसका है, लेकिन
लेकिन मेसन कहां मानने वाला था। वो किसी तरह बचते हुए भागने की कोशिश करता है। यह आधा शरीर वाला लाश मेसन का पीछा करता है और मेसन टनल से होते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ एक बार फिर वो बड़ा सा चूहा आता है जिससे मेसन की हाथापाई हो जाती है। किसी तरह मेसन पत्थरों को चूहे के ऊपर गिरा कर उसे मार डालता है, लेकिन वो लाश माइन करते हुए अब भी मेसन के पीछे थी। मेसन भागता है और थोड़ा ऊपर बढ़ने के बाद उसे रोशनी दिखाई देती है, यानी सतह नजदीक था। मेसन किसी तरह ऊपर चढ़ता है ओनली टू रियलाइज कि वो एक कब्र के अंदर फंस गया था। जी हाँ दोस्तों, वो लाइट एक्चुअली मेसन के टॉर्च से निकली थी जो कि ग्रेव के किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। मेसन के लिए यहां से निकल पाने का कोई उपाय नहीं था। इनफैक्ट ढेर सारे चूहे उस पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ सीन ब्लैकआउट होता है। अब अगले सीन में वापस पहले सीन वाले दो रॉबर्स को देखते हैं जो कि एक ग्रेव खोलते हैं और अंदर उन्हें मेसन मृत अवस्था में दिखता है। मेसन के गले में वही लॉकेट थी और जैसे ही ये दोनों रॉबर्स लॉकेट लेने की कोशिश करते हैं, मेसन का शरीर हिलता और उसके मुंह से चूहे बाहर निकलते हैं। फिर वहां ढेर सारे चूहे आ जाते हैं जिसे देखकर ये दोनों छोर भागते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड पे ध्यान दें तो यहाँ का थीम ग्रीड को लेकर है। यहां भी मेसन चाहता तो मोर्ग में सबके जाने के बाद सिर्फ सोने वाले दांत निकालकर भाग सकता था और उससे अपना उधार चुकता कर लेता। इनफैक्ट कुछ पैसे भी बच जाते, लेकिन उसे स्वॉर्ड यानी कि सेबर चाहिए था और बाकी सब कुछ भी चाहिए था के लिए वो वेट करता है। इसका परिणाम ये कि वो चूहों द्वारा मारा गया। ना अंडरग्राउंड में हम एक ब्लैक चर्च देख पाते हैं जहां उस एंटिटी की पूजा होती थी, एंड इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि वहां किसी तरह का कल्ट चलता था। अब ये कहानी ऑब्वियसली सेलम की है, तो आपको पता ही है सेलम में विच ट्रायल्स वगैरह होता था और वहां की हिस्ट्री इस तरह के कल्ट और विच क्राफ्ट को लेकर कितनी रिच है। तो उन्हीं मिथ्स या फिर हिस्ट्रीज को लेकर इस ब्लैक चर्च का कॉन्सेप्ट बनाया गया होगा। ना उन्हीं कल्टिस्ट में से एक मेंबर था जिसका लॉकेट मेसन चुराने की कोशिश किया, लेकिन मरने के बाद भी वो अपने लॉकेट को माइन चिल्लाकर बचाने की कोशिश था। This makes me wonder कि शायद इस कल्ट के लोग चूहों के साथ मिलकर काम करते होंगे, क्योंकि देखा जाए तो चूहे भी ज्वेलरी और लॉकेट्स वगैरह प्रोटेक्ट करते थे, इकट्ठा कर रहे थे। तो चूहे भी ज्वेलरीज और लॉकेट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करते हुए इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ आने वाली लाशों को तो चूहे खा जाते हैं, लेकिन इस कल्टिस्ट का पुराना सड़ा गला शरीर अभी तक खाया हुआ नहीं था। अब पूरे एपिसोड के दौरान हम देखते हैं कि मेसन भगवान को कितना मानता था, लेकिन वो भगवान की बात नहीं सुन रहा था। भगवान को अगर वो मान रहा है तो उसे लालच वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वो हर बार बोलता था वन लास्ट टाइम और काम किए जा रहा था। ओवरऑल ये एपिसोड पुराने जमाने के ब्लैक मैजिक, ब्लैक चर्च, कल्ट और ग्रीड के ऊपर बेस्ड है, और साथ ही यहाँ हम एचपी लवक्राफ्ट के यूनिवर्स की एंटिटी के बारे में भी जानते हैं। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एपिसोड। तो तीसरे एपिसोड का नाम है द ऑटोप्सी, जिसे डेविड प्रायर ने डायरेक्ट करा है। एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि माइनिंग एरिया में काम कर रहे थे। वो लिफ्ट में अंडरग्राउंड जाने लगते हैं कि तभी जो एलन नाम का एक वर्कर लिफ्ट के ऊपर कूदता है, एंड देन वो एक अजीब सा दिखने वाला एक्सप्लोजिव वहां छोड़ देता है जिसके ब्लास्ट से 10 वर्कर्स मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग जो। इस इंसिडेंट के बाद हम टाउन शेरिफ नेट क्रेवन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त डॉक्टर कार्ल विंटर्स को बुलाते हैं ताकि कार्ल मृत लोगों की ऑटोप्सी बोले तो पोस्टमार्टम कर सके। अब इस पॉइंट पे नेट कार्ल को पूरी बैक स्टोरी बताना शुरू करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दो महीने पहले रोनाल्ड हेनली नामक एक इंसान जो कि एक मिल वर्कर था वो मिसिंग हो गया था और उसकी खोज नेट और उसके ऑफिसर्स कर रहे थे। उस घटना के एक हफ्ते बाद वहीं पे एक औरत भी गायब हुई जो कि लॉन्ड्रोमैट चलाती थी। इनफैक्ट एक महीने में कुल 6 लोग आसपास के एरिया से गायब हो गए थे। अब जंगल में खोजबीन के दौरान नेट को एक बॉडी मिली जिसकी एजेस को नाइफ से काटा गया था और उस शरीर में एक बूंद खून नहीं था। ऐसे में नेट फॉरेस्ट एरिया में 2 हंटर्स को गार्ड करने के लिए छोड़ता है, लेकिन रात तक वो दोनों भी गायब हो गए थे। खैर, अगली सुबह नेट को पता चलता है कि इन्हें जो लाश मिली थी वो किसी एबल डॉहर्थी नामक इंसान की है और वो इंसान भी कुछ दिनों से मिसिंग था। उसे आखिरी बार एक बार में देखा गया था जिस बार का नाम था ट्रकर्स टैवर्न। बार में एबल अपने पुराने दोस्त एडी साइक से मिला था, लेकिन यहाँ आश्चर्य वाली बात यह थी कि एडी खुद को जो एलन बता रहा था। जी हाँ, वही जो जिसने स्टार्टिंग सीन में धमाका करा था। एबल के हिसाब से वो और एडी सालों से सेम मिल में काम करते हैं और कुछ ही महीनों पहले एडी एकदम से आना बंद कर दिया। एबल वॉज एडमेंट कि वो जो नहीं बल्कि एडी है, और ऐसे में जो उसे अजीब तरह से हिप्नोटाइज करके बार से बाहर ले जाता है। ऑफ कोर्स इसके बाद एबल की लाश ही बरामद हुई। अब एडी साइक्स के बारे में छानबीन करते हुए नेट पता लगा है कि वो तकरीबन 9 महीने से मिसिंग था। जी हाँ, वो हाइकिंग करने गया था ताकि वो मीटियर शावर देख सके, लेकिन वो कभी वापस आया ही नहीं। नाउ एक हफ्ते पहले नेट को जो एलन के बारे में पता चला और वो उसके घर की छानबीन करने गया। वहां उन्हें एक अजीब सा चीज मिला जिसके ऊपर बाल वगैरह थे, और ये वही अजीब सी चीज है जो कि एपिसोड के पहले सीन में फटा था। नेट इसे लेकर अपनी कार में माइनिंग एरिया में गए जहां उन्हें एडी दिखा जो कि खुद को जो एलन बता रहा था। पुलिस को देखकर जो उनके कार से वो अजीब चीज को लेकर भागता है, और उसके बाद तो हमें पता ही है कि वो माइन में जाकर लिफ्ट पे कूदा, एंड देन उस अजीब सी चीज के कारण ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग जो।
तो ये थी हादसे की पूरी कहानी। और अब डॉक्टर काल को सभी मृत लोगों के शरीर पे ऑटोप्सी करना था। यहाँ हम डॉक्टर काल के बारे में ये भी जान पाते हैं कि उन्हें स्टमक कैंसर है, उनके पास बस कुछ महीने ही बचे हैं। नाउ नेट काल को मोर्ग में ऑटोप्सी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके बाद कार्ल अकेले देर रात अपना काम शुरू करते हैं। वो अपने ऑटोप्सी सेशन की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और पहले लाश को जांचते वक्त वो पाते हैं कि शरीर में कहीं भी एक्सप्लोजिव से मारे जाने के सिम्टम्स नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो इंसान ब्लंट फोर्स से मारा गया हो। Now, this was strange, क्योंकि बॉम्ब तो फटा था लेकिन बॉम्ब के होने के कोई सबूत ही नहीं मिल पाए थे, which means कि maybe वो अजीब सा ऑब्जेक्ट बॉम्ब था ही नहीं। Maybe एलन उस ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि वो किसी और के हाथ ना लग सके। वेल, इसके बाद एक लाश को एग्जामिन करते हुए कार्ल बताते हैं कि लाश के चेस्ट पे एक होल थी जो कि हार्ट तक जा रही थी, और बॉडी खोलने पे उन्हें पता चलता है कि हार्ट और लंग से पूरा खून गायब था। ऐसे ही होल एक और लाश पे थी और जो के पेट में काफी खून मिला था। वे सजेस्ट कि कहीं जो तो इनका खून नहीं पी गया था। वेल, इसका पता लगाने के लिए कार्ल अब जो के शरीर पे ऑटोप्सी करने की सोचते हैं, बट टू हिज सरप्राइज जो का मृत शरीर जिंदा हो जाता है और वो डॉक्टर काल के पीछे आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो के अंदर एक्चुअली में एक एलियन पैरासाइट घुसा हुआ है, जो कि उसके अंदर तब आया होगा जब वो मीटियर शावर देखने गया था। यानी कि वो मीटियर्स नहीं बल्कि एलियन स्पेसशिप रही होगी। इनफैक्ट वो अजीब चीज जो कि ब्लास्ट करा था वही एलियन का स्पेसशिप था, और इसीलिए जो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि वो ह्यूमंस के हाथ ना लगे। बेसिकली जो के अंदर तो एलियन था ना, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जो के थ्रू ये एलियन बताता है कि वो लोग छोटे और गंदे शेप के होते हैं और इनके पास कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन एक ह्यूमन के अंदर प्रवेश करके ये लोग उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं और भूख लगने पे वो खून पी जाते हैं। ये एलियंस अपने होस्ट के सेंसेस को बस अलाइव रखते हैं क्योंकि होस्ट के दिमाग पे पूरी तरह से उनका कब्जा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो तो एक्चुअली में एडी नाम का बंदा था लेकिन अब वो अपने आप को जो कह रहा था। नाउ इस एलियन को एक नया शरीर चाहिए था क्योंकि जो तो मर गया है, इसलिए वो डॉक्टर कार्ल का शरीर चाहता है। मोरओवर, ये एलियन डॉक्टर कार्ल के अंदर का कैंसर फील कर लेता है एंड देन कहता है कि वो तो बड़े मजे से इस कैंसर पे फीड करेगा। इसके बाद जो एकदम से कार्ल पे अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है, और जब कार्ल की आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि वो एक टेबल पे बंधे थे। जो के अंदर का एलियन जो के शरीर से खुद को कार्ल में ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा था। जो कार्ल के बगल में टेबल पे लेट जाता है, देन वो अपने शरीर को कट करता है, देन कार्ल में थोड़ा कट लगाता है, जिसके बाद उस एलियन को धीरे धीरे इस शरीर से उसमें ट्रांसफर होते देखते हैं। जैसे जैसे ये ट्रांसफर आगे बढ़ता है, जो अनकॉन्शियस होते जाता है। इनफैक्ट वो तो पहले से ही मरा हुआ था, जस्ट दैट वो एनिमेट होना बंद होता है। और इस पॉइंट पे कार्ल अपना दिमाग चलाते हैं। वो होस्ट बनने से ठीक पहले किसी तरह एक स्कैलपेल, यानी वो डॉक्टर लोगों का चाकू होता है ना, उसे लेकर अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, अपने कान के ईयर ड्रम्स फाड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए ताकि एलियन के शरीर में आकर भी कोई सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर ही ना पाए। मोरओवर, वो अपने नेक के एक ऐसा नर्व को काट लेते हैं जिससे वो तुरंत ब्लीड आउट होकर मारे जाएंगे, और इस खून से वो अपने शरीर पे कुछ तो लिखते हैं। नाउ ये एलियन पूरी तरह कार्ल के अंदर आ चुका था, लेकिन ना तो वो कुछ देख पा रहा था ना ही सुन पा रहा था। साथ ही वो अब एक ऐसे शरीर में था जो कि मर रहा था। काल के अंदर एलियन और काल के कॉन्शियसनेस की आपस में बात होती है, जहां काल कहते हैं कि बेटा तुम फंस गए मेरे शरीर में आकर। मोरओवर, हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है क्योंकि रिकॉर्डिंग टेप ऑन था, यानी कि जब नेट आएगा तो इस टेप को सुनेगा और उसे सब पता चल जाएगा। अब अगले दिन जब नेट आते हैं तो वो काल को मृत पाते हैं, जिन्होंने खून से अपने शरीर पे लिखा था कि लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स एंड बर्न मी। इस रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली सब कैप्चर हुआ होगा, तो नेट को सब समझ आ जाएगा। और यहां काल ने भी अपने शरीर को जला देने की इंस्ट्रक्शन दे रखी थी ताकि उनके अंदर फंसा एलियन पैरासाइट भी साथ ही जल के मारा जाए। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी बाकियों से थोड़ी सिंपल है, जहां हम देख पाते हैं कि एक एलियन कैसे हमारी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में था, लेकिन डॉक्टर कार्ल की चालाकी के सामने एलियन की एक न चली। डॉक्टर कार्ल, जो कि एनीहाउ स्टोमक कैंसर से मरने वाले थे, उन्होंने खुद को कुर्बान किया ताकि ये एलियन मारा जा सके। और उनका दिमाग भी काफी शार्प था, क्योंकि ऐसे मोमेंट में इतना स्मार्टली सोचना, खुद को हर्ट करना सबके बस की बात नहीं। ओवरऑल मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आया, और इसी के साथ हम चौथे एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एपिसोड का नाम है द आउटसाइड, जिसे एना लिली डायरेक्ट की है। ये कहानी स्टेसी नाम की लेडी की है, जो कि दिखने में उतनी अच्छी नहीं है और वो सोशली भी थोड़ा ऑकवर्ड है। स्टेसी का पति कीथ पुलिस में काम करता है और वो स्टेसी को बहुत प्यार करता है। स्टेसी को टैक्सीडर्मी का शौक है, और इसका प्रमाण हम स्टेसी के घर में हर जगह देख पाते हैं। अब जिन्हें टैक्सीडर्मी नहीं पता, उन्हें बता दूं कि कई लोग मृत जानवर या पक्षी का स्किन निकाल कर उसे स्टफ कर देते हैं, जिससे वो स्टफ्ड मृत जानवर देखने में एकदम रियल और अलाइव लगता है, एंड स्किन गलता भी नहीं है, तो वो काफी दिन तक
ऐसे ही रहेगा। एनीवे, स्टेसी जहाँ काम करती है वहाँ की लेडीज एकदम अजीब सी थी। I mean, वो हमेशा अजीब बातें करती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेक्स, हस्बैंड को छोड़ के उनका पैसा छीन लेना, मेकअप, सर्जरी, बॉडी में फिलिंग्स डलवाना, बोटॉक्स। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। स्टेसी ये सब सुनकर काफी प्रभावित होती थी और उसे भी उनकी तरह खूबसूरत दिखना था। तो क्रिसमस ईव पे वहाँ की एक लेडी जीना के घर में पार्टी होने वाली थी और इस पार्टी में स्टेसी को भी इन्वाइट मिलता है। वहाँ सीक्रेट सैंटा हो रहा था जिसमें स्टेसी को जीना का ही नाम मिला था, यानी कि स्टेसी को जीना के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना था। ऐसे में स्टेसी अपने टैक्सीडर्मी स्किल्स का यूज करके एक बर्ड तैयार करती है जो कि वो जीना को एज ए गिफ्ट देने वाली थी। नाउ पार्टी में जब स्टेसी पहुंचती है तो वहाँ एज यूजुअल बाकी लेडीज अपना गॉसिप और बेकार बातें शुरू करती है जिसमें स्टेसी फील्स आउट ऑफ प्लेस। देन जीना सबको गिफ्ट देती है जो कि एलो ग्लो नाम का क्रीम था, विच वॉज अ वेरी कॉस्टली मेकअप आइटम। सभी लेडीज एलो ग्लो क्रीम को एकदम लगाने लग जाती और जब स्टेसी अपना टैक्सीडर्मी वाला गिफ्ट देती है तो सब शक्ल बनाती हैं क्योंकि उन्हें ये चीप और बेकार लगता है। अब स्टेसी को भी एलो ग्लो क्रीम मिला था तो वो इसे लगाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस क्रीम का स्टेसी के स्किन पे गंदा रिएक्शन होता है जिससे उसका पूरा चेहरा रैशेस से लाल पड़ जाता है। स्टेसी फौरन अपने घर जाती है और उसका हस्बैंड कहता है कि स्टेसी को ये फालतू क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। लेकिन स्टेसी को तो उन लेडीज से सोशल वैलिडेशन चाहिए था और उसे उनकी तरह ही बनावटी दिखना था, इसीलिए वो अपने पति की एक बात नहीं सुनती। खैर, उस रात हम देखते हैं कि एलो ग्लो क्रीम के डब्बे से अपने आप क्रीम निकलने लगता है और स्टेसी कमरे में टीवी देखने आती है। यहाँ टीवी में एलो ग्लो की एड आ रही थी और ये एड वाला बंदा टीवी से ही स्टेसी से डायरेक्टली बात करने लग जाता है। जी हाँ, वो स्टेसी को भड़काने लगता है कि कैसे एलो ग्लो से वो एकदम खूबसूरत हो जाएगी और ये रैशेस तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो स्टेसी एकदम परी बन के निकलेगी। इससे कन्विंस होकर स्टेसी ढेर सारा एलो ग्लो ऑर्डर कर लेती है और वो इसका इस्तेमाल भी करने लगती है। स्टेसी के रैशेस बढ़ते जा रहे थे, इनफैक्ट अब वो घाव जैसे हो गए थे और उसका स्किन तक निकलने लग गया था, बट स्टिल स्टेसी क्रीम लगाए जा रही थी। स्टेसी का पति उसे बार बार समझा रहा था कि ये क्रीम मत लगाओ, लेकिन स्टेसी इतना माइंड वॉश हो चुकी थी कि वो अपने पति से ही झगड़ने लग गई थी। मीनवाइल वो ऑफिस भी नहीं जा रही थी और टीवी पे एड वाला बंदा हर रात स्टेसी का माइंड वॉश कर रहा था। एक रात स्टेसी देखती है कि बेसमेंट में सारे एलो ग्लो के डब्बे में से क्रीम अपने आप बाहर निकलने लग गए थे और वो एक अजीब शेप ले रहे थे। ये देखकर स्टेसी भागती और अगले दिन वो फिर से अपने पति से इसी टॉपिक पे झगड़ती है। कीथ स्टेसी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था क्योंकि उसके रैशेस बहुत बढ़ गए थे, लेकिन स्टेसी का मानना था कि ये सब हीलिंग प्रोसेस है और कुछ दिन बाद वो एकदम हुस्न परी बन के निकलेगी। खैर, उस दिन जब कीथ जॉब पे जाता है तो स्टेसी फिर से अपने बेसमेंट में जाती है जहां एलो ग्लो क्रीम से एक ह्यूमन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा था और स्टेसी इसको किस करके गले लगाती है। वो पूरी तरह क्रीम से लथपथ हो जाती है और कुछ देर बाद कीथ स्टेसी को ऐसी हालत में देखकर चौंक जाता है। वो स्टेसी को डांटता है, फिर समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे ही खूबसूरत तो चलो डॉक्टर के पास ठीक करवा देता हूं, लेकिन स्टेसी तो इतना माइंड वॉश हो चुकी थी कि वो कीथ पे बहुत भड़कती है एंड देन एक चाकू से कीथ के सर में दे मारती है। कीथ इस पॉइंट पे भी स्टेसी को ब्लेम नहीं कर रहा था, इनफैक्ट वो चाकू अपने सर से बाहर निकालता है और हेल्प मांगता है, लेकिन अब तक स्टेसी हैड लॉस्ट इट और वो एक एक्स लाकर अपने पति को ही मार गिराती है। मरने से पहले भी कीथ स्टेसी को ब्लेम नहीं कर रहा था, शोइंग कि वो स्टेसी से कितना प्यार करता था। इसके बाद स्टेसी बाथटब में जाती है जो कि पूरी तरह से क्रीम से भरा था और निकलने के बाद इस बार स्टेसी वाकई सुंदर हो गई थी। वो अपने पति का ही टैक्सीडर्मी करके उसे एज ए स्टैचू घर में रख देती है एंड देन वो एकदम सुंदर बनके अपने वर्क प्लेस पे जाती है। वहाँ सभी लेडीज स्टेसी को प्रेज करती हैं, उसके पीछे पीछे भागती हैं और स्टेसी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। स्टेसी भी बाकी औरतों की तरह बकवास बातें करने लगती है, उसे सोशल स्टेटस मिल गया था लेकिन एट वॉट कॉस्ट। एपिसोड के एंड में स्टेसी पूरी तरह अपना दिमाग खो चुकी थी और उसके लाइफ में अब बस उसका नया सोशल स्टेटस ही मैटर कर रहा था। कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बढ़िया सोशल मैसेज देती है कि आज के जमाने में लोग उनको ही लात मार देते हैं जो उनके शुभचिंतक हों। लोगों को बस सोशल स्टेटस चाहिए होता है, वो भी उनसे जो कि मैटर तक नहीं करते। इसके चक्कर में लोग घर परिवार सब छोड़ देते हैं और यहाँ कंपनीज भी इनसिक्योर लोगों का बहुत फायदा उठाती है। I mean, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना, लाइक ये खा के पतले हो जाओ, ये खा के बॉडी बना लो, ये खा के गोड़े हो जाओ, ये करके लंबे हो जाओ, ऐसे तुम सुंदर दिख जाओगे इत्यादि। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा परिवार ही हमारे बारे में अच्छा सोचता है और हमें खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम कैसे भी दिखते हैं वो मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स कि हम अंदर से कैसे हैं
और हमारा सर्कल कैसा है। एपिसोड में टीवी से बात करने वाला एंकर एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये ब्यूटी दिलाने वाले प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को इनसिक्योर करके फंसाते हैं, साथ ही इनके फंसने वाले लेडी या मैन कैसे बस शेल्फिश होकर अपने बारे में सोचता है, लाइक डिवोर्स लेके एलिमनी लेना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना इत्यादि। इन द एंड ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि सोशल वैलिडेशन से कुछ मिल तो नहीं रहा, एंड देन क्रीप्स इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ऑल दैट। वो लोग बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें और हेल्दी वे में खुद को बेटर करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान मोटा है और उसे पतला होना है तो वो हेल्दी वे में एक्सरसाइज करे, डाइट ले, ना कि कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स लेने लग जाए जिससे उसका फैट गल जाएगा या फिर सर्जरी या फिर ये वो वगैरह वगैरह। इससे कुछ होगा नहीं और इससे बस अपनी ही इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एपिसोड। पांचवें एपिसोड का नाम है पिकमेंस मॉडल और इसे कीथ थॉमस ने डायरेक्ट करा है। कहानी की शुरुआत 1909 के आर्कम मैसाचुसेट्स में होती है, जहां हम आर्टिस्ट विलियम थर्बर से मिलते हैं। थर्बर अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने यूनिवर्सिटी मिस्कटोनिक चला जाता है, जहां वो आर्ट की पढ़ाई भी कर रहा है। हमें मालूम होता है कि थर्बर काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट है और सारे टीचर्स इवन स्टूडेंट्स उसके जजमेंट को वैल्यू करते हैं। क्लास के दौरान प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एनुअल आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बताते हैं, जिसमें जीतने वाले आर्टिस्ट की पेंटिंग को आर्कम आर्ट गैलरी में प्रस्तुत किया जाएगा। वो ये भी बताते हैं कि थर्बर ये कॉम्पिटिशन पिछले साल जीत भी चुका है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है रिचर्ड पिकमैन। अब पिकमैन बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी एजेड था और प्रोफेसर स्टूडेंट से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताते हैं कि वो उनके साथ ही क्लास अटेंड करेगा। इसके बाद क्लास वर्क के तौर पे सभी को 15 मिनट्स में एक मॉडल की पेंटिंग बनाने का टास्क मिला था और प्रोफेसर एडवाइस करते हैं कि ड्रॉ व्हाट यू सी। पेंटिंग बनाते हुए थर्बर नोटिसेस कि पिकमैन अपनी पेंटिंग्स काफी पैशन के साथ कर रहा है। पेंटिंग खत्म करके वो पिकमैन की पेंटिंग को झांकता है, जहां पिकमैन ने सरप्राइजिंगली मॉडल को जले सड़े मांस और एक से ज्यादा हाथ पैर के साथ काफी मॉन्स्ट्रस लुक दिया था। हम नोटिस करते हैं कि पेंटिंग पे नजर डालते ही थर्बर के हाथ अजीब तरह से मुड़ने लगते हैं, एज इफ उस पर असर कर रहे हों। नाउ क्लास के बाद एक डिस्कशन के दौरान थर्बर को पता चलता है कि पिकमैन जब छोटा था तब उसकी माँ खुद को मार ली थी और उसके पिता पागल हो गए थे। इनहेरिटेंस वगैरह के भरोसे वो पूरे इंग्लैंड में ट्रैवल कर पाता है। थर्बर को यह भी पता चलता है कि पिकमैन अक्सर सेमेट्री में पेंटिंग्स बनाया करता है। यहाँ हम एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं कि थर्बर को पिकमैन के आर्ट में काफी इंटरेस्ट आ गया था। अगली सीन में हम पिकमैन को देखते हैं जो कि सेमेट्री में बैठा एक डेड कैट को ड्रॉ कर रहा है। यहाँ उसे मिलने थर्बर आता है और उसे उसकी कला के लिए अप्रिशिएट करता है। वो पिकमैन से ये भी जानने की कोशिश करता है कि उसकी इंस्पिरेशन क्या है। इस पे पिकमैन बोलता है कि उसे दुनिया का असली सच मालूम है, जो कि है दर्द, दुख, मौत, करप्शन इत्यादि, और वो बेसिकली यही चीजें ड्रॉ करता है। इसके बाद पिकमैन अपने पेंटिंग्स की डायरी थर्बर को दिखाता है, जहां काफी डरावने और क्रीपी स्केचेस बनाए गए थे, इंक्लूडिंग ए मॉन्स्टर। इसके बाद थर्बर फिर से पिकमैन से पूछता है कि उसे ये सारे इंस्पिरेशन मिलती कहां से है, जिस पे पिकमैन बताता है वेयर फियर लिव्स। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जहां पिकमैन की पेंटिंग्स जूरी मेंबर्स को डिस्टर्ब कर देती है और वो गुस्से में निकल जाते हैं। थर्बर पिकमैन से मिलने जाता है और पिकमैन उसे कहता है कि उसकी पेंटिंग्स के लिए ये ऑडियंस सही नहीं है और उसे अपने रूम में इनवाइट भी करता है ताकि थर्बर उसकी पेंटिंग्स को जज कर सके। थर्बर पिकमैन के साथ जाता है और देखता है कि पिकमैन के कमरे में कई मॉन्स्टर्स, मर्डर्स और घोस्टली फिगर्स की पेंटिंग रखी है। पिकमैन बताता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड में बहुत पुराने समय से रह रही है, जब विच ट्रायल्स वगैरह हुआ करते थे। वो ये भी बताता है कि उसका खुद का खानदान विच क्राफ्ट वगैरह के लिए जाना जाता था और उसकी माँ उसे इनकी कहानियां भी सुनाती थी। ये कहकर पिकमैन अपनी एक पेंटिंग थर्बर को दिखाता है और इस पेंटिंग में हम पिकमैन की आंट लवीनिया को देखते हैं। सपोजिटली लवीनिया एक विच थी जिसने अपने ही पति को मार डाला और उसके मांस को अपने गुट के लोगों को एक ग्रैंड फीस्ट में खिला दिया। इसी ग्रैंड फीस्ट को इस पेंटिंग में डिपिक्ट किया गया था। पेंटिंग देखकर थर्बर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। नवरात को सोते वक्त थर्बर को एक भयानक सपना आता है, जहां वो उसी पेंटिंग वाली विच को खुद पर हमला करते हुए देखता है। ये सपना देखकर थर्बर काफी घबरा जाता है और नोटिस करता है कि हमले वाली जगह पे सचमुच ही उसे चोट लग गई थी। अब थर्बर ऑब्वियसली इससे बहुत डिस्टर्ब हो गया था, इनफैक्ट उसे अब हर जगह लवीनिया दिखने लग गई थी। इसी सब में वो एक पार्टी अटेंड करते हुए रेबेका के फादर के साथ मिसबिहेव कर देता है, जिससे रेबेका उस पर गुस्सा होती है। सॉल्यूशन पाने के लिए थर्बर जाता है सीधा पिकमैन के पास, लेकिन पिकमैन ऑलरेडी शहर छोड़कर जा चुका था। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम 1906 का समय देखते हैं, जहां थर्बर ने रेबेका से शादी कर ली है और उनका एक बेटा भी है नेम्ड जेम्स।
थर्मर अब एक आर्ट गैलरी में रेस्पेक्टेड पोजीशन पे है और उसकी लाइफ संभल चुकी है, लेकिन कॉलेज से उस इंसिडेंट और नाइटमेयर को वो भूल नहीं पाया है और आज भी उसे उस पेंटिंग के सपने आते हैं। सपने में वो कुछ चांटिंग्स भी सुन पाता है, विच वेयर योग सोथ होत या इनगाह इत्यादि। तो इन सब के बीच एक दिन उसे एक पेंटिंग डिलीवर होती है जो कि और कोई पेंटिंग नहीं बल्कि वही लविनिया की फीस्ट वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, ये पेंटिंग देखकर थर्बर की हालत खराब होने लगती है और उसे इसके अंदर के लोग और डीमंस अलाइव होते हुए मालूम पड़ते हैं। और तो और उसे इस बार इस पेंटिंग वाली फीस्ट में एक बच्चा भी शामिल दिखता है। इस सब के इफेक्ट में थर्बर खुद को ऑलमोस्ट स्टैब करने वाला था, लेकिन फिर वहां रेबेका आती है जो उसे बताती है कि पेंटिंग पिकमैन नाम का आदमी दे गया है। इसके बाद थर्बर तुरंत अपने नौकर से कहकर ये पेंटिंग वापस पिकमैन को भिजवा देने को कहता है, लेकिन उससे पहले ही थर्बर का बेटा जेम्स इस पेंटिंग को देख लेता है एंड वो काफी डर जाता है। तो अगले दिन थर्बर का कलीग जो आर्ट गैलरी में पिकमैन की पेंटिंग्स को प्रेजेंट करने की बात करता है, जिसके लिए बाकी सब तो राजी हो जाते हैं, लेकिन थर्बर काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो जो से ऐसा ना करने को भी कहता है, लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। रात को वापस घर जाते वक्त थर्बर को सेमेट्री में एक अजीब सा क्रीचर ग्रेव स्टोन्स के पीछे छुपा दिखता है, बट वो ध्यान नहीं देता। नाउ घर पहुंचकर वो पाता है कि पिकमैन वहीं उसका इंतजार कर रहा था और वो रेबेका और जेम्स से बात भी कर रहा था। यहाँ रेबेका पिकमैन के आर्ट में काफी इंटरेस्ट दिखा रही थी, जिससे थर्बर परेशान हो जाता है। वो पिकमैन को बहाने से वहां से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले पिकमैन थर्बर को अपने घर इनवाइट करता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग ड्रॉ करी थी और वो थर्बर का जजमेंट चाहता था। इसके रात में हम देखते हैं कि जेम्स को काफी नाइटमेयर्स आने लग गए थे और इस सबसे परेशान होकर थर्बर अपनी गन लेकर पिकमैन से मिलने सेमेट्री जाता है। यहाँ थर्बर पिकमैन को अपनी फैमिली से दूर रहने को कहता है, लेकिन पिकमैन बताता है कि वो सिर्फ थर्बर की जजमेंट के लिए यहां तक वापस आया है और अगर एक बार वो उसकी पेंटिंग्स देख ले तो पिकमैन हमेशा के लिए उन सब से दूर चला जाएगा। इनफैक्ट वो अपनी पेंटिंग्स भी गैलरी में नहीं रखेगा। ये सुनकर थर्बर राजी हो जाता है और एक बार फिर पिकमैन अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए थर्बर को साथ ले जाता है। थर्बर और पिकमैन कुछ दरवाजे वगैरह पार करके एक अंडरग्राउंड सेलर तक आते हैं और आसपास थर्बर पिकमैन की अजीबोगरीब पेंटिंग्स देख पाता है। उसके बाद पिकमैन डोर के अंदर जाता है और थर्बर को वहीं बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। बाहर से थर्बर सुन पाता है कि पिकमैन किसी से बात कर रहा है और समझा रहा है कि थर्बर मेरा दोस्त है और तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद थर्बर खुद ही इस कमरे के अंदर दाखिल होता है जहां कमरे के बीचों बीच एक कुआं था जिसे ढक कर रखा गया था। यहां थर्बर पिकमैन की कई डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स देखता है और वो डिसाइड करता है कि वो उन सब में आग लगाकर सारा किस्सा ही खत्म कर देगा। लेकिन उसी टाइम वहां पिकमैन आ जाता है और वो थर्बर को कुछ दिखाने की जिद करता है। थर्बर कहता है कि उन्हें ये सब हमेशा के लिए खत्म करना होगा, लेकिन पिकमैन कहता है कि ये सिर्फ पेंटिंग्स है, सच की पेंटिंग्स। थर्बर पिकमैन को समझाने की कोशिश करता है कि इन पेंटिंग्स में कुछ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पिकमैन उस वेल की तरफ बढ़ने लगता है और इसी बहस के दौरान थर्बर पिकमैन को गोली मार देता है। मरते हुए पिकमैन बताता है कि ये पेंटिंग्स कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच है। वो बताता है कि ये एंटिटीज और मॉन्स्टर्स उसकी फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं और वो इन्हीं के साथ रहता आया है। वो कहता है कि मैंने तो ये सच देख लिया और इसी को पेंट किया है, अब तुम्हारी बारी है। इसी दौरान उस वेल से एक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है जो कि काफी डरावना लग रहा था। ये वही मॉन्स्टर था जिसे हमने सेमेट्री में भी देखा था। ये मॉन्स्टर अपने साथ पिकमैन की बॉडी को वेल में खींच ले जाता है और इस हादसे से घबरा कर थर्बर इस सारे सेलर में आग लगा देता है और यहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थर्बर रेबेका और अपने बेटे को आर्ट गैलरी लाया है जहां वो उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाना चाहता है। थर्बर का नौकर उसे बताता है कि कुछ पेंटिंग्स लगाने के लिए जो रात भर गैलरी में ही है। यह सुनकर थर्बर जो को देखने जाता है एंड टू सरप्राइज जो ने हर जगह पिकमैन की पेंटिंग्स लगा दी थी। जी हां, यह शॉकिंग था क्योंकि थर्बर ने ऑलरेडी पिछली रात इन पेंटिंग्स को जला दिया था। थर्बर देखता है कि जो एक कोने में खड़ा एक पेंटिंग को लगातार घूरे जा रहा था और वही चैंटिंग्स दोहरा रहा था, योग सोथ होत एंड ऑल दैट। थर्बर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक जो पागल हो चुका था, उसने अपने आंखें ही नोच डाली थी और लगातार चैंटिंग्स दोहराए जा रहा था। ये देखते ही थर्बर दौड़कर अपनी बीवी बच्चे के पास जाता है जहां रेबेका दूसरे कोने में खड़ी पिकमैन की ही पेंटिंग देख रही थी। थर्बर उसे वहां से हटाता है और जेम्स को लेकर वापस घर जाने को कहता है। इसके बाद थर्बर सारे पेंटिंग्स हटवाने का ऑर्डर देता है और वार्निंग देता है कि उन पेंटिंग्स को कोई ना देखे। तो घर पहुंचकर थर्बर गैलरी के इंसिडेंट के लिए रेबेका से माफी मांगता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी दुनिया उजड़ जाती है। रेबेका ने भी ठीक जो की तरह अपनी आंखें निकाल ली थी और क्रीपिली किसी फीस्ट की तैयारी कर रही थी। रेबेका बताती है कि उसे मालूम है वेयर फियर लिव्स नाउ और वो एक शानदार फीस्ट तैयार कर रही है क्योंकि कोई आने वाला है। डर से थर्बर उसे पूछता है कि जेम्स कहाँ है और रेबेका हंसने लगती है। रेबेका ने अपने ही बेटे को ओवन में कुक होने के लिए चाह दिया था और इसे जानकर थर्बर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। लास्ट सीन में हम रेबेका को वही चांटिंग्स बोलते हुए सुन पाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म।
तो ये थी पांचवें एपिसोड की कहानी, और हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या हुआ। ये कहानी एचपी लवक्राफ्ट की स्टोरी द पिकमेंस मॉडल पे बेस्ड है। यहाँ बेसिकली पिकमेन एक विचक्राफ्ट फैमिली को बिलोंग करता था और ये मॉन्स्टर्स एंटिटीज वगैरह उसके खानदान के ही हैं। स्टोरी की शुरुआत में बार बार प्रोफेसर कहते हैं कि ड्रॉ व्हाट यू सी, और एक्चुअली पिकमेन भी वही पेंट कर रहा था जो उसने अपनी फैमिली में देखा है। अपने फैमिली के कर्स को आगे बढ़ाने के लिए पिकमेन को ऐसे आर्टिस्ट की जरूरत थी जो कि इन पेंटिंग से अफेक्टेड ना हो। शायद इसलिए पेंटिंग्स को इतनी बार देखने के बाद भी थर्बर पागल नहीं होता, लेकिन हाँ अफेक्टेड जरूर होता है, बट अगर आप देखें तो दूसरे लोग पागल हो जा रहे थे। इस फिल्म में जब थर्बर को पेंटिंग में एक बच्चा दिखा तब इट वॉज मे बी ए प्रिमोनिशन कि आगे जेम्स के साथ क्या होगा। ग्रैंड फीस्ट जो शुरू से छाया रहा अंत में रेबेका खुद प्रिपेयर करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर कौन है? वेल, चैंटिंग्स में हम योग सोथोथ और या इन गाह सुन पाते हैं। लवक्राफ्टियन यूनिवर्स में योग सोथोथ कथुलू माइथोस के आउटर गॉड है जो कि एक डार्क मिस्ट से पैदा होते हैं। इस डार्क मिस्ट को हम जेम्स के कमरे में देख भी पाते हैं जब उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे। इसकी पिक्चर्स भी अक्सर पिकमेन अपने पेंटिंग्स में डिपिक्ट कर रहा है। सो इफ यू सी, इस एपिसोड में कई चीज छुपे हुए थे और इसकी एक डीपर मीनिंग थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ एपिसोड जिसका नाम है ड्रीम्स इन द विच हाउस, और इसे कैथरीन हार्डविक डायरेक्ट करी है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत घर देखते हैं जहां दो ट्विंस रहा करते थे नेम्ड वॉल्टर एंड एपरली। यहाँ एपरली बहुत बीमार होती है और उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। वो वॉल्टर से कहती है कि उसे लेने के लिए कुछ घोस्ट आ रहे हैं और वो उनके साथ जाना नहीं चाहती। वॉल्टर उसे समझाता है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगले ही क्षण एपरली की मौत हो जाती है। कमरे में अचानक एक तूफान सा आता है और उसके बीचों बीच एपरली की आत्मा प्रकट होती है जो कि कन्फ्यूज थी कि वो आखिर है कहाँ। इससे पहले कि वॉल्टर कुछ समझ पाता, हवा का एक तेज झोंका आता है और एपरली की आत्मा को खींचते हुए घर के बाहर वाले जंगल के अंदर ले जाता है। एपरली के लाख चिल्लाने के बाद भी वॉल्टर उसे नहीं बचा पाता। तो अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है जहां वॉल्टर बड़ा हो चुका है और वो बॉस्टन में स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी में काम करता है जहां बेसिकली भूत प्रेत मीडियम्स और अदर रिम्स वगैरह पर रिसर्च की जाती है और इनके बारे में प्रूफ भी इकट्ठा किया जाता है। वॉल्टर के लाइफ का एक ही गोल है कि वो पता लगाए कि उसकी बहन के साथ इतने सालों पहले क्या हुआ था और वो इस वक्त किस दुनिया में है। इसके लिए वॉल्टर अक्सर अलग अलग मीडियम्स और साइकिक्स के बारे में पता लगाते रहता था ताकि कोई उसे इस दुनिया के बाहर के डिमेंशन तक ट्रैवल करने का तरीका बता सके। अब यूजुअली इनके रिसर्च में मीडियम्स फ्रॉड ही निकलते थे, और ऐसे ही एक बार फिर से एक मीडियम फ्रॉड निकलती है जिसके बाद वॉल्ट का कलीग फ्रैंक उसे सलाह देता है कि उन्हें स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी का काम छोड़कर टाइम मैगजीन ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो कुछ पैसे कमाते हुए इन सबसे आगे बढ़ पाए, लेकिन वॉल्ट नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी के ऑफिस में देखते हैं जहां एक नन बैठी हुई बार बार भगवान का नाम ले रही थी और घबराई हुई लग रही थी। कुछ देर बाद ऊपर से एक पेंटर सोसाइटी के हेड से बात करती हुई आती है जहां वो किसी विच हाउस को इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रही थी। पेंटर बताती है कि उस घर में अजीबोगरीब पावर्स है, लेकिन ये आदमी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। अंत में ये पेंटर अपनी एक पेंटिंग उसी सोसाइटी में रखने की बात कहकर चली जाती है। जाने से पहले नन भी इस पेंटर को बुरा भला कहती है, साथ ही वो कहती है कि उसकी पेंटिंग्स डीमन का विजन है। वॉल्ट को पता चलता है कि ये पेंटर खजाया मेसन नाम की एक विच के घर में रेंट पे रहती है। उसका मानना है कि इस घर के अंदर हम दूसरी दुनिया के डिमेंशन तक पहुंच सकते हैं और यहाँ कई पावरफुल शक्तियां काम करती हैं। इसके बाद वॉल्ट अपने बॉस से कुछ और मीडियम्स पे इन्वेस्टिगेट करने जाने की बात कहता है, लेकिन वो उसे सलाह देते हैं कि वॉल्ट अब दूसरी जॉब वगैरह ढूंढ ले क्योंकि स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी के पास अब फंड्स नहीं है कि वो फालतू के फील्ड वर्क वगैरह में इन्वेस्ट करें। इसके बाद हम वॉल्ट को एक क्लब में देखते हैं जहां वो एज ए बारटेंडर पार्ट टाइम जॉब करता था। यहाँ उसे काम के दौरान दो ट्राइबल बंदे मिलते हैं जो कि किसी फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल्स की बात कर रहे थे। अब नेचुरली वॉल्ट इनसे इस बारे में पूछता है और इन्हें बताता है कि उसकी बहन की मौत के बाद उसकी आत्मा को भी इस फॉरेस्ट में ही खींच लिया गया था, जिसके बाद वो आज तक उसे ढूंढ रहा है। अब ये आदमी वॉल्ट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसे अपने साथ अपने ट्राइब के बेस पर ले जाता है। यहाँ वो उसे एक काइंड ऑफ ड्रग देता है जिसका नाम था लिक्विड गोल्ड। इस ड्रग को देने के बाद ये आदमी वॉल्ट से कहता है कि वो अपनी बहन को बेशक ढूंढे, लेकिन फॉरेस्ट में कोई रिपल क्रिएट ना करे, अर्थात जो जैसा है वैसा ही रहने दे। ड्रग को लेने के बाद वॉल्ट की जब आंखें खुलती है तो उसे इस बेस के कोने में फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल्स का पोर्टल मिल जाता है। वॉल्ट इस पोर्टल के थ्रू फॉरेस्ट में दाखिल भी होता है जहां उसे एक ट्री ब्रांच खींचते हुए अंदर लाती है। इस फॉरेस्ट का माहौल काफी ड्रीमी था जहां हर जगह हम आत्माओं को देख पाते हैं। यहाँ एक आवाज को फॉलो करते हुए वॉल्ट एपरली को ढूंढ लेता है। जी हाँ, भाई बहन एक दूसरे मिलकर काफी खुश होते हैं और एपरली वॉल्ट से बताती है कि वो यहाँ इसलिए फंस गई क्योंकि उसने मौत को एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ देर बाद ड्रग का असर खत्म होने लगता है और वॉल्ट वापस अपनी दुनिया में आ जाता है।
तो इसके बाद वॉल्ट तुरंत अपने दोस्त को ये सब बताने के लिए जाता है, जहां वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद वॉल्ट अकेले ही अपनी बहन को उस दुनिया से इस दुनिया में लाने का डिसीजन लेता है। वो लिक्विड गोल्ड की मदद से वापस फॉरेस्ट में जाता है और इस बार उसे यहां वो पेंटर दिख जाती है जो कि विच हाउस की पेंटिंग ड्रॉ कर रही थी। इस बार एपर्ली से मिलने पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एपर्ली इस बात पर विजुअली शॉक्ड हो जाती है और यहां हम समझ पाते हैं कि एपर्ली ने अपने मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। एपर्ली वॉल्ट से पूछती है कि उसने अपना पियानिस्ट बनने का सपना पूरा किया या नहीं, जिस पर वॉल्ट बताता है कि उसकी मौत के बाद उसने कभी पियानो को हाथ भी नहीं लगाया। तभी वहां ड्रग का असर भी कमजोर पड़ने लगता है और वॉल्ट एपर्ली का हाथ पकड़ लेता है और इस सब में उसके कपड़े का एक टुकड़ा वॉल्ट के साथ रह जाता है, प्रूविंग कि वो उस डिमेंशन से इस डिमेंशन तक मैटर को ला सकता है। अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए वो अपने बॉस से भी मदद मांगता है, लेकिन इन द एंड कोई उसका साथ नहीं देता। नाउ वापस आकर वॉल्ट कजाया मेसन के बारे में एक किताब पढ़ता है। कजाया वही विच थी जो कि आर्कम के विच हाउस में रहा करती थी। कजाया का मानना था कि वो अलग अलग डिमेंशन में ट्रैवल कर सकती है, जिसके लिए वो एक डैगर का इस्तेमाल करती थी एज अ की। लेट 17th सेंचुरी में उसे अपने ही घर के बाहर विचक्राफ्ट के इल्जाम में फांसी दे दी गई थी, लेकिन जब लोगों ने कुछ दिन बाद उसके कब्र को खोदा तो वो गायब हो चुकी थी। ये सब जानने के बाद वॉल्ट उसी विच हाउस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। यहाँ वॉल्टर अपने साथ वो पेंटिंग भी लाता है जो उस पेंटर ने सोसाइटी को दिया था और विच हाउस जाकर वही रूम रेंट करता है जिसमें विच अपने समय में रहा करती थी। अब इस रूम में दाखिल होने पे वॉल्टर नोटिसेस कि यहाँ की सीलिंग का एक हिस्सा डैम्प और रेड है, बट वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हम ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ एक काफी लंबा चौड़ा रैट है जिसकी आवाज ह्यूमन जैसी है, इनफैक्ट उसका फेस भी थोड़ा ह्यूमन जैसा था, और वो इस कमरे की वायर्स को कट करके अंधेरा कर देता है। कुछ टाइम बाद वॉल्ट यहाँ बैठकर कजाया के बुक को आगे पढ़ता है, जहाँ उसे मालूम होता है कि उस डिमेंशन से इस डिमेंशन तक किसी को लाने के लिए की जरूरत पड़ती है। कमरे के दूसरे तरफ अंधेरे में हम एक डरावनी आकृति को वॉल्ट पे नजर रखे हुए देखते हैं और यहीं के एक दीवार पे वॉल्ट को एक ह्यूमन फिगर और एक की का साइन मिलता है, विच मेंट कि कोई इंसान ही की बन सकता है। रात को सोते वक्त अचानक ही वॉल्ट की बॉडी पैरालाइज होने लगती है और कुछ देर बाद ऊपर से एक डरावनी आकृति वॉल्ट के बिस्तर के पास आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कजाया थी। जी हाँ, यहाँ वॉल्ट ये सब देख सुन पा रहा था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। कजाया के साथ यहाँ उसका रैट भी आता और कजाया से पूछता है इफ यही वो लड़का है जो उन्हें यहाँ से आजाद करेगा। इस पे कजाया की नजर पास ही रखे वॉल्ट एपर्ली की फोटो पे पड़ती है, जिसे देखकर वो क्रुएली हंसती है और कहती है ट्विंस। इसके बाद वो अपने वॉन्ड से दीवार के उसी हिस्से को टच करती है जहाँ कीज की ड्रॉइंग बनी हुई थी। सुबह जब वॉल्ट इस दीवार को चेक करता है तो उसे एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, जहां पिछले ह्यूमन फिगर के बगल में एक और ह्यूमन फिगर बना हुआ था, डिपिक्टिंग कि एक्चुअली में एक ट्विन का जोड़ा ही दूसरे दुनिया के मैटर ट्रैवल के लिए की है। तो अगले दिन वॉल्ट फिर से लिक्विड गोल्ड को लेकर विच हाउस आता है और अपने कमरे में पोर्टल को ओपन करता है। वो फॉरेस्ट के अंदर दाखिल होता है, लेकिन इस बार कजाया भी उसके पीछे पीछे दाखिल होती है। एपर्ली वॉल्ट को बताती है कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि किसी ने उसका पीछा फॉरेस्ट तक किया है और अब यहां एक रिपल यानी डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। इसके बाद कजाया वॉल्ट को ढूंढते हुए वहां आती है और वॉल्ट और एपर्ली उससे छिपने लगते हैं, लेकिन विच का रैट उनकी लोकेशन कजाया को बता देता है और दौड़ भाग में कजाया वॉल्ट को पकड़ लेती है। एपर्ली किसी तरह वॉल्ट को बचाती है और ये दोनों फॉरेस्ट से निकलकर इस दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ एपर्ली वॉल्ट से कहती है कि तुम मुझे यहां तो ले आए हो, मगर ये सही नहीं है। तभी वो रैट वापस इनके पीछे पड़ जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वॉल्ट और एपर्ली विच हाउस में दूसरी तरफ भागते हैं जहां वो पेंटर रहती है। पेंटर के पास पहुंचकर वॉल्ट और एपर्ली उससे मदद मांगते हैं। अब ये पेंटर इन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उन्हें अपने कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें इन दोनों की ही तस्वीर बनी हुई थी। पेंटर बताती है कि तुम दोनों ने बहुत गलत किया है क्योंकि एपर्ली को उस दुनिया से लाते हुए तुम कजाया की सोल को भी आजाद कर दिए हो। उसके बाद वो तीन पेंटिंग्स को आपस में अरेंज करती है और दिखाती है कि वो दोनों भाई बहन एक्चुअली में दूसरे डिमेंशन के पोर्टल के की हैं और इस ट्रांसफर को सक्सेसफुल बनाने के लिए वॉल्ट की जान की बलि चढ़ जाएगी। वो बताती है कि सुबह का सूरज निकलने तक वॉल्ट मारा जाएगा और तभी एपर्ली और कजाया दोनों इस दुनिया में एंटर कर पाएंगे। यहां हम देख पाते हैं कि वॉल्ट धीरे धीरे बीमार और कमजोर पड़ता जा रहा था, वहीं एपर्ली आत्मा के स्वरूप से धीरे धीरे शरीर बनती जा रही है। ये सब सुनकर एपर्ली बहुत परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वॉल्ट और वो पेंटर चर्च जाते हैं, जहां वो सारी बातें उन्हीं सिस्टर को बताते हैं जो कि शुरुआत में प्रे करते हुए दिखाई गई थी। सिस्टर इनके लिए प्रे करने का वादा करती है और वॉल्टर की हालत खराब होने लगती है। कुछ टाइम बाद वहां वॉल्टर का दोस्त फ्रैंक भी आता है, जिसे वॉल्टर एपर्ली के आने के बारे में सब कुछ बताता है। समय बीता जा रहा था और वॉल्टर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सिस्टर वॉल्टर के लिए लगातार प्रे करती हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह कजाया चर्च तक पहुंच ही जाती है। यहां सब लोग वॉल्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन विच वॉल्टर को अपने साथ ले जाती है।
मौत को सामने देख वॉल्टर मदद के लिए चिल्लाता है कि तभी अचानक वहां एपर्ली आती है और कज़ाया को उसी के वॉन्ड से स्टैब करके वॉल्टर को बचा लेती है। नाउ कज़ाया के गायब होने के बाद वॉल्टर एपर्ली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन एपर्ली बताती है कि अब उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, अतः वो आजाद होना चाहती है। इसके बाद कमरे में एक तेज रोशनी की किरण आती है जो एपर्ली की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। एपर्ली के जाने के बाद वॉल्टर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद हम विच के उसी रैट को उसके पास आते देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट बिस्तर पर बेहोश पड़ा है और फ्रैंक और पेंटर वहीं उसका ख्याल रख रहे हैं। पेंटर बताती है कि उसकी पेंटिंग्स के अनुसार सूरज निकलने तक वॉल्टर की मौत हो जानी थी, लेकिन वो खुश है कि ऐसा नहीं हुआ। इन सब के दौरान फ्रैंक की नज़र ऊपर के डैम्प एरिया पे पड़ती है और वो रियलाइज करता है कि ये एरिया एटिक का है। इसके बाद पेंटर और फ्रैंक दोनों मिलकर एटिक की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें सरप्राइजिंगली विच का कॉर्प्स सड़ी हुई हालत में मिलता है। दूसरी तरफ वॉल्ट खांसते हुए उठता है और रियलाइज करता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। वो घबराकर मदद मांगता है, सेइंग इट्स इनसाइड मी। इधर फ्रैंक को एटिक में एक बॉक्स में उसी रैट का भी स्केलेटन मिलता है और अब हम देखते हैं कि वॉल्ट के बॉडी को चीरते हुए वो रैट बाहर निकलता है, जिसके बाद वॉल्ट की मौत हो जाती है। इधर उस रैट का स्केलेटन भी इस बॉक्स से गायब होता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर फ्रैंक घबरा जाता है और ये दोनों नीचे आते हैं और उस रैट को वॉल्ट की बॉडी से निकलता देखते हैं। ये रैट हंसते हुए कहता है कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिखाया। ये देखकर फ्रैंक बहुत गुस्सा हो जाता है और इस रैट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये पेंटर फ्रैंक को संभालती है, बाहर की तरफ देखती है जहां सूरज निकल चुका था और कहती है कि वो जीत गए, यानी पेंटिंग वाली बात सच हो गई और वॉल्टर सूरज निकलने से जस्ट पहले मर गया। फिल्म के आखिरी सीन में हम उस रैट को वापस वॉल्टर के अंदर समाते हुए देखते हैं, जहां वो कहता है कि वो इस बॉडी के सरने तक इसका भरपूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वैसे भी जिंदा रह के तो वॉल्टर ने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। यहीं पे एपिसोड खत्म। तो ये थी 6th एपिसोड ड्रीम्स इन द विच हाउस की कहानी, और इस कहानी में हम देखते हैं कि वॉल्टर अपनी बहन की मौत को कभी भुला ही नहीं पाया और उसे वापस लाने के लिए हर मुश्किल कोशिश करता रहा। फ्रैंक एक सीन में कहता भी है कि यू केयर मोर अबाउट योर डेड सिस्टर देन द लिविंग, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि वॉल्टर किस ग्रीफ से गुजर रहा है। इस कहानी में एपर्ली कभी भी वापस आना नहीं चाहती थी और उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर भी लिया था, बट वॉल्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वॉल्ट का सपना बॉस्टन के सबसे बेहतर पियानिस्ट बनने का था, जो उसने कभी पूरा नहीं किया, जिस पर एपर्ली भी डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज उसका टाइम तो खत्म हो गया था। एटलीस्ट वॉल्ट तो अपनी जिंदगी जी लेता। इन सब में एक ही चीज सही हुई कि एपर्ली ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया और एंड में वो फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल्स की बजाय हेवन जा सकी। इन द एंड भले ही पेंटिंग की प्रीमोनिशन सच निकली, लेकिन विच के रैट ने अपना फायदा निकालने के लिए सूरज निकलने से ठीक पहले ही वॉल्ट को मार दिया, ताकि एटलीस्ट वो वापस जिंदा हो सके। अब यहां हो सकता है कि रैट ने विच के सिखाए किसी मैजिक का उपयोग किया होगा टू टेक ओवर वॉल्ट्स बॉडी, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है। इट्स ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि वॉल्ट की बॉडी सर नहीं रही होगी, बल्कि रैट की आत्मा उसमें घुस गई है। अंत में रैट कहता भी है कि वो वॉल्ट की बॉडी का पूरा इस्तेमाल करेगा, भले ही वॉल्ट ने जिंदगी भर ना किया हो, विच इज ट्रू। तो यहां से हम बढ़ेंगे 7th एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है द व्यूइंग। तो 7वें एपिसोड की शुरुआत होती है एक इनविटेशन के साथ, और ये बुलावा किसी लॉयनर लैसिटर की तरफ से था, जिन्होंने 22 सितंबर 1979 को एक व्यूइंग ऑर्गेनाइज की थी। इस व्यूइंग को अटेंड करने के लिए 4 लोगों को इनवाइट किया गया था, जिनके नाम है शार्लेट, रैंडल, गाई और टार्ग। शार्लेट एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, गाई एक फेमस नॉवेलिस्ट है, टार्ग एक पावरफुल साइकिक है और रैंडल एक पहुंचा हुआ म्यूजिशियन है। व्यूइंग अटेंड करने के लिए चारों लोग एक कार पार्किंग एरिया तक पहुंचते हैं, जहां हमें मालूम होता है कि ये सब किसी न किसी टॉक शो का हिस्सा रह चुके हैं। कुछ देर में इन्हें लॉयनर का सर्वेंट हेक्टर लेने आता है और इन्हें लॉयनर के आलिशान बंगले तक लेकर जाता है। अब इस बंगले का आर्किटेक्चर और डिजाइन काफी भव्य था, जो कि इन लोगों को बहुत इंप्रेस करता है। अंदर आते वक्त ये ग्रुप नोटिस करता है कि यहां एक तरह की लिली प्लांट्स हर जगह लगी थी, जिसकी खुशबू बहुत मेस्मराइजिंग थी। इस पे हेक्टर बताता है कि ये लिली की खास ब्रीड है, जो कि 4 साल पहले तैयार की गई थी। इसकी खास बात यह है कि ये आम लिलीज की तरह जमीन की तरफ नहीं, बल्कि आसमान की तरफ फेस्ड होती है, जिस कारण से इन्हें स्टार गेजिंग लिलीज बताया गया है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर ज़ारा नाम के किरदार से मिलते हैं, जो कि लायनर की डॉक्टर है, और वो एक तरह का ड्रग उसे इंजेक्ट करती है। ग्रुप के अंदर आने के बाद उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, जहां एक रोटेटिंग टेबल पर कमरे के बीचों बीच इन सब की फेवरेट ड्रिंक्स रखी गई थी। डॉक्टर ज़ारा इन सबको सेटल डाउन होने कहती हैं और कुछ देर बाद यहां लाइनर भी आता है। लाइनर इन सबको एक स्पेशल वाइन सर्व करता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से दुनिया में मौजूद है और अपने काइंड की आखिरी बॉटल है। इसके अलावा लॉयनर इस सबको अपने अपने फील्ड्स में महारत हासिल करने के लिए तारीफ करता है और बताता है कि उसने इन्हें बहुत मुश्किल से चुन चुनकर इस व्यूइंग के लिए इनवाइट किया है। अब यहाँ में एज अ व्यूअर इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं। हम पाते हैं कि नॉवलिस्ट गाय इन सब में सबसे ज्यादा रूड और क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ है, जबकि रैंडल अपनी लाइफ में थोड़ा डिप्रेस्ड है।
बातचीत कर रहा हूँ। लाइनल कहता है कि वो और रैंडल एक जैसे ही हैं, क्योंकि रैंडल का म्यूजिक और लाइनल की टेस्ट दोनों आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो रैंडल से कहता है कि लाइनल उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ प्रस्तुत कर देगा अगर वो इजाज़त दे तो। इस पर रैंडल बताता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, और इनफैक्ट हम सब के अंदर एक वॉइड होता है जो कितना भी पैसा दो और कितना भी नाम किसी का बन जाए उससे भरा नहीं जा सकता। इस बात पर शार्लेट अग्री करती है, सेज इट्स लाइक अ ब्लैक होल, लेकिन ऑब्वियसली लाइनल को ये बात अच्छी नहीं लगती। इस पॉइंट तक हम ये समझ पाते हैं कि लाइनल एक अमीर और घमंडी किस्म का आदमी है जो हर चीज को पाना चाहता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई सामान। लॉयनर बताता है कि इस मैनसन में बजने वाला म्यूजिक तक कुछ खास उसके आर्किटेक्चर के लिए ही बनाया गया है, और इस तरह उसके आर्किटेक्ट सर्वेंट्स हर चीज एक्सक्लूसिव है। इनफैक्ट इन चीजों को बाहर खरीदा भी नहीं जा सकता। वो तो रैंडल को अपने नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम के लिए हायर करने का भी बात करता है, बट ही रिफ्यूजेस। इसके बाद रैंडल लाइनर से डिस्प्ले में रखी एक गन के बारे में पूछता है, और लाइनर कहता है कि ये कहानी मेरी नहीं बल्कि हेक्टर की है, और हेक्टर की तरफ इशारा करता है। हेक्टर बोलने ही वाला था बट लाइनर उसे बीच में ही कट ऑफ कर देता है और फिर से अपना ही ज्ञान बताने लगता है। इस बातचीत में डॉक्टर ज़ारा भी अपनी लाइफ के बारे में बताती है, और वो कहती है कि इससे पहले वो एक जनरल की फिजिशियन थी। वो कहती है कि उसने जनरल का हर रूप देखा था, जहां कभी वो खुद को एक रॉकस्टार समझता था तो कभी एक क्रूअल मर्डरर बन जाता था, और कभी बहुत ही एक आम आदमी जैसा। वो कहती है कि ये समझना मुश्किल है कि कोई इंसान एक्चुअली में कैसा, और इस बात पर लॉयनर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि डॉक्टर ज़ारा के बिना वो जिंदा भी नहीं होता। अब लाइनर ज़ारा इन सबको एक खास तरह का ड्रग ऑफर करते हैं, और लाइनर बताता है कि इस ड्रग की मदद से ये सब अपने कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे, और जो आइटम आज इनके व्यूइंग के लिए रखी गई है उससे ये बहुत गहराई में समझ पाएंगे। तो ड्रग लेने के बाद सब लोग पहले से ज्यादा वल्नरेबल और फ्री फील करते हैं, और लॉयनर इन सबको एक चेंबर के थ्रू किसी खास कमरे में ले जाता है, और इस कमरे में दाखिल होने पर हम देखते हैं कि कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा बड़ा पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर काफी शाइन कर रहा है और किसी मेटियोर के बड़े टुकड़े जैसा मालूम होता है। ये सब गेस्ट्स यहाँ अपने अपने तौर पर इस आइटम का आकलन करते हैं। शार्लेट कहती है कि ये किसी मेटियोर डेबरी जैसा है, और लॉयनर डॉक्टर ज़ारा से पूछती है कि इसके लैब टेस्ट रिजल्ट्स क्या आए हैं। लॉयनर बताता है कि लैब तो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, एक्सरे, यहां तक कि कार्बन डेटिंग में भी इस आइटम का टेस्ट क्लियर नहीं रहा, मानो ये इस दुनिया का है ही नहीं। वो बताता है कि इसे हासिल करने के लिए उसने बहुत पैसे खर्चे और कई रिस्क उठाए हैं। दूसरी तरफ साइकिक टा कहता है कि एक बहुत एंशिएंट स्टोन है, और उसे इसकी तरफ से बहुत एनर्जी और अट्रैक्शन फील हो रही है। इस सब के दौरान गाय ही था जिसे ये स्टोन बकवास लग रहा था, और वो कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि लाइनर का आइटम एक मामूली पत्थर निकलेगा। रैंडल स्टोन को समझने की कोशिश करता है और वो स्मोक करते हुए उसके करीब चला जाता है। तभी ये स्टोन काइंड ऑफ स्मोक को अपनी तरफ खींच लेता है, और इसके बाद लाइनर इस स्टोन पर अपने दोनों हाथ रखता है, एंड देन वियर्डली इस स्टोन से एक श्रिल नॉइज इमिट होने लगती है। इस आवाज से कमरे में मौजूद सभी लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं, और सबके नाक से खून तक निकलने लगता है। हम देखते हैं कि एक तेज आवाज और रोशनी के साथ ये स्टोन टूट पड़ता है, जिससे एक लाल रंग का अजीबोगरीब एंटिटी बाहर आता है। इसका स्ट्रक्चर स्लाइमी था, और इसके बदन से दो बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल रहे थे। इस एंटिटी के बाहर आने से माहौल और खराब होता है, और ऐसा लगता है कि एक एनर्जी थी जो ये एंटिटी अपने चारों ओर से एब्जॉर्ब किए जा रही थी। इसके प्रभाव से टार्ग अचानक से पिघलने लगता है और वहीं खाक में मिल जाता है। वहीं गाय, जो अब तक इसे मामूली पत्थर समझ रहा था, वो सबके सामने ही बर्स्ट कर जाता है, जिसके खून के छींटे शार्लेट और रैंडल पे भी पड़ते हैं। इस हादसे से शार्लेट और रैंडल बहुत डर जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने के लिए दरवाजा पीटने लगते हैं। इसी दौरान हम देख पाते हैं कि कमरे के एक तरफ लाइनर ट्रांस की स्थिति में पहुंच चुका था, तो दूसरी ओर ज़ारा खुद इस एंटिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है और इस पर अपना हाथ रख देती है। उनके ऐसा करते ही ये एंटिटी डॉक्टर ज़ारा को मेल्टडाउन करके अब्सॉर्ब करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शार्लेट और रैंडल मैनसन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी मदद हेक्टर करता है, जो इनके लिए मैनसन का डोर खोल देता है, और ये लोग किसी तरह से गाड़ी में बैठकर यहां से भाग निकलते हैं। वहीं अंदर चेंबर में ये एंटिटी ज़ारा को अब्सॉर्ब करने के बाद पिघल जाती है और धीरे धीरे लॉयनर की तरफ बढ़ती है। इसके बाद लॉयनर और इस एंटिटी का एक अमेलगम सा बनता है, और अब ये एंटिटी एक मॉन्स्ट्रस ह्यूमन का फॉर्म ले लेती है, जो बहुत डरावना था। कुछ देर बाद यहाँ हेक्टर आता है और इस एंटिटी कम लॉयनर पे गोली चलाता है, वही अपने गोल्डन AK-47 वाले गन से। लेकिन अभी एंटिटी बहुत पावरफुल हो चुकी थी, गोलियां का इस पे कोई असर नहीं होता, वो हेक्टर को भी मार गिराती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एंटिटी अब शहर के अंदर प्रवेश कर रही है थ्रू ए चेंबर, ताकि यहाँ तबाही मचा सके। यहीं पे एपिसोड खत्म। तो ये थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी की पेनल्टीमेट एपिसोड की कहानी, जो बहुत फिलोसॉफिकल और डीप है। इसकी एंडिंग भी अजीब रही। तो चलिए हम यहाँ शॉर्ट में स्टोरी को समझते हैं। तो कहानी मिलियनेयर लाइनर उसके गेस्ट पे फोकस कर रही है। लाइनर एक अमीर आदमी है जो दुनिया की हर खास चीज को कब्जे में करना चाहता है। उसे कहीं से ये एलियन आइटम मिला, और उसने एक टॉक शो पर दिखने वाले चार इंटेलिजेंट माइंड्स को इनवाइट किया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो खास लोगों को ही गेस्ट
बनाएगा ना। वो इस पत्थर की सच्चाई जानकर इसके पास को हासिल करना चाहता था, लेकिन अपने एरोगेंस और जिद के कारण खुद ही इस पत्थर के अंदर मौजूद एंटिटी का शिकार हो गया। कहानी में शुरू से ही अमीरों के अजीब शौक और जिद की दास्तां बताई गई है, जैसे वो स्टार गेजिंग लिलीज जिसमें इन्हें चाहिए था कि भाई फूल आसमान की तरफ देखे, तो नहीं हाइब्रिड ही बना डाली। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं किसी किसी के पास गोल्डन लैम्बोर्गिनी होती है, नहीं लैम्बोर्गिनी से मन नहीं भरा, उसको गोल्ड का बनाना है। तो यही दिखाया गया है कि भाई अमीर लोग की क्या क्या अपनी फेटिश होती है। अब कुछ क्वेश्चन एज ए व्यूअर हमारे दिमाग में आता है, लाइक इन चारों की एंडिंग अलग अलग ही क्यों? अब देखा जाए तो गाय जो कि नॉवलिस्ट है वो सबसे अधिक क्लोज्ड है, जो कि इस आइटम को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, कॉलिंग इट ए मियर स्टोन, जिस वजह से वो इसकी प्रेजेंस में बर्स्ट आउट कर जाता है। वहीं साइकिक आइटम के एनर्जी को स्ट्रांगली फील करता है और काइंड ऑफ पिघल जाता है। डॉक्टर ज़ारा को लाइनर ने अपने गुलाम की तरह ट्रीट करा था, जो कि अट्रैक्शन ऑफ अननोन की तरह इस पत्थर को खुद टच करती और इसमें खत्म हो जाती है। अब एंड में सारे फसाद की जड़ लाइनर भी नहीं बचता और अपने ग्रीड के कारण खुद इस एंटिटी का कलेक्टिबल बन जाता है, जबकि वो खुद को कलेक्टर बोलता था, यानी कि कलेक्टर ही था वो, नायाब चीज़ें कलेक्ट करता था, खुद कलेक्ट हो गया। शॉर्लेट और रैंडल शुरू से ही अपने टैलेंट और फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, जिसके कारण शायद वो लास्ट में बच जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं फाइनल एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है मर्मरिंग, और इस एपिसोड को जेनिफर केंट ने डायरेक्ट किया है। तो कहानी की शुरुआत में हम नैन्सी से मिलते हैं, जो कि एक ऑडियंस को डनलिन बर्ड के बारे में बताते हुए एक प्रेजेंटेशन दिखा रही है। नैन्सी बताती है कि डनलिन्स खास तरह के बर्ड्स होते हैं, जो कि अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए एक साथ झुंड में दूर निकल जाते हैं और जाते हुए कुछ खास मर्मरिंग पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे आर ग्लास, फियर, बर्ड इन फ्लाइट इत्यादि। नैन्सी और उसके हस्बैंड एडगर डनलिन के इसी स्वभाव पर रिसर्च कर रहे हैं, और ऐसा आखिर है क्यों? इतने सारे बर्ड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर कैसे बना पाते हैं? इतना कोऑर्डिनेशन कैसे? एक बर्ड एक दूसरे से टकराता भी नहीं है, यानी कि ये बर्ड्स बहुत स्मार्ट है और आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब लोगों को प्रेजेंटेशन काफी पसंद आता है, इसके बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। इस पार्टी के दौरान हम समझ पाते हैं कि इस रिसर्च और डनलिन के प्रति ऑब्सेशन ज्यादा नैन्सी की तरफ से है, जहां एडगर कहता भी है कि सारी मेहनत नैन्सी की है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि लोग लड़के को ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। एनीवेज हम ये भी देखते हैं कि काम के बाहर नैन्सी काफी डिप्रेस रहती है, और एज ए कपल वो दोनों किसी हादसे से गुजरे हैं। अब एडगर तो ऑलमोस्ट उस हादसे से मूव ऑन कर चुका है, लेकिन नैन्सी काफी परेशान रहती है, जिसके कारण एडगर और उसके बीच झगड़े होते रहते हैं। इनफैक्ट इनके बीच फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं रही। तो अगले दिन नैन्सी और एडगर अपनी रिसर्च के लिए एक फील्ड ट्रिप पर बिग हार्बर आइलैंड जाते हैं, जहां ओनर्स ने उनके रहने का बंदोबस्त आइलैंड के पास बने एक बंगले में कर दिया था। नैन्सी नोटिसेस कि इस घर में एक बच्चे की अपनी माँ के साथ तस्वीरें लगी हुई थी, और एक यंग आदमी की फोटो भी थी, कैप्शन स्वीटहार्ट, जो उसे किसी कारणवश दिलचस्प लगती है। खैर, यहाँ आने के बाद ही एडगर और नैन्सी बर्ड वॉचिंग में लग जाते हैं, जहाँ नैन्सी साउंड रिकॉर्डिंग संभालती है और एडगर कैमरा इक्विपमेंट देखता है। हम समझ पाते हैं कि इस कपल को अपने रिसर्च और डनलिन से बहुत ज्यादा प्यार है। वहीं आपस में इनके बीच टेंशन चल रही होती है, बिकॉज नैन्सी काम के अलावा अपने हस्बैंड से कटी कटी रहती है। ऐसे ही एक रात सोते समय नैन्सी को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ ही देर बाद नीचे से दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने सुबह की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जो अपने आप ही स्टार्ट हो गई थी। उस समय तो वो उसे मशीनी खराबी समझ लेते हैं, लेकिन फिर एक दूसरी रात नैन्सी को फिर से कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। नैन्सी बाहर जाती है, जहां एटिक का दरवाजा उसे खुला मिलता है। यहां पर वो देखती है कि एटिक के रूफ पर कई सारी डनलिन्स एक झुंड बनाकर शेल्टर ले रहे हैं, और ये काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि इतने सालों के रिसर्च के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था कि ये बर्ड्स कभी किसी ह्यूमन मेड प्रॉपर्टी पर शेल्टर लेते हों। खैर, इस ब्रेक थ्रू से नैन्सी और एडगर काफी एक्साइटेड होते हैं, और नैन्सी रात रात भर जगकर इन बर्ड्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। ऐसी एक रिकॉर्डिंग सुनते वक्त बीच में नैन्सी को एक स्टैटिक मर्मर सुनाई देती है, जो बहुत अजीब थी। यही नहीं, दोबारा प्ले करने पर उसे एक बच्चे की फेंट साउंड भी सुनाई देती है, सेइंग आई एम सो कोल्ड। अब नैन्सी ये बात एडगर के साथ शेयर करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली एडगर को कुछ सुनाई नहीं देता उस क्लिप में, और इसलिए एडगर उसे रेस्ट करने की सलाह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी डनलिन्स पर एक बुक पढ़ रही है, और वो एडगर के साथ शेयर करती है कि उसे ये घर बहुत क्रीपी लगता है। एडगर कहता है कि मे बी ये घर पुराना है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नैन्सी कहती है कि तुम खुद सोच के देखो, डनलिन्स जैसे बर्ड इस घर की तरफ अट्रैक्टेड क्यों है, जबकि हिस्टोरिकली वो कभी भी किसी मैन मेड घरों में शेल्टर नहीं लेते। ये भी कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि यहाँ की तस्वीरों में ये बच्चा कौन है, और आखिर क्यों ओनर्स ने इतना आलीशान घर एक सुनसान आइलैंड पे बनवाया जहाँ कोई नहीं रहता, और तो और फिर सारा सामान छोड़कर वो चले क्यों गए। इन्हीं सब बातों में एडगर और नैन्सी की एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। ना उस रात सोते हुए नैन्सी को फिर से कॉरिडोर से आवाज सुनाई देती है, और इस बार वो यहाँ अंधेरे में एक बच्चे को खड़ा देखती है।
इस हादसे से वो काफी डर जाती है और एडगर को बिना कुछ बताए अगले दिन बंगले की छानबीन करने लगती है। एक कमरे में नैंसी को टेबल पर एक कपड़ा मिलता है जिस पर डनलिंस की और एक लड़की की खूबसूरत और डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इस पर एंड में फ्रीडम वर्ड भी सिला हुआ था। इस कपड़े को जो कि टेबल मैट था उसे लेकर नैंसी एडगर को दिखाती है और एक्सप्रेस करती है कि उसे लगता है कि यहाँ जो लड़की रहा करती थी वो भी उसी की तरह ट्रैप्ड महसूस करती होगी और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। लेकिन एडगर नैंसी की बात को सीरियस नहीं लेता, सेइंग कि यहाँ पर रहने वाली लड़की ओनर्स की बेटी थी और वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ थी तो अकेलापन कैसा। इसके बाद वो नैंसी को ये सब छोड़कर काम पे ध्यान देने को कहता है, इससे नैंसी नाराज होकर चली जाती है। उस रात फिर से नैंसी को एक विजन दिखता है जहां वो अपनी बेटी एवा को अपने पास देखती है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने कंधे पर किसी दूसरे बच्चे का हाथ महसूस होता है और एवा गायब हो जाती है। नैंसी देखती है कि कॉरिडोर में फिर से कोई बच्चा दौड़ रहा है और इस बार नैंसी उसके पीछे जाने का फैसला लेती है। पीछा करते हुए नैंसी नीचे के कमरे में पहुंचती है जहां की लाइट पहले से ही ऑन थी। इस कमरे में दाखिल होने पर नैंसी को जमीन पर कुछ लेटर्स पड़े मिलते हैं जिनमें से एक पर उसी तस्वीर की तरह माई स्वीट हार्ट लिखा हुआ था। नाउ अगले दिन बर्ड वॉचिंग के दौरान नैंसी एडगर को बताती है कि यहां रहने वाली लड़की एक ऐसे आदमी से प्यार करती थी जो पहले से ही शादीशुदा था। नैंसी कहती है कि आदमी अक्सर क्लॉडिया को चिट्ठी लिखता था और वादा करता था कि वॉर से लौटने के बाद वो क्लॉडिया और उसके बच्चों को साथ ले जाएगा, लेकिन अंत में उसने धोखा दिया और अपनी बीवी के पास चला गया। इस बात से क्लॉडिया आहत हुई और उसने अपनी जिंदगी अकेले ही बिताई। यहां हम देख पाते हैं कि क्लॉडिया की कहानी से नैंसी काफी ऑब्सेस्ड हो गई थी जिसके कारण एडगर उसे इन सबसे दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन इस घर में अब आए दिन नैंसी को कभी क्लॉडिया की तो कभी इसके बच्चे की आत्मा दिखती रहती है, जहां यह बच्चा मदद की गुहार लगाता और यहां क्लॉडिया गुस्से में दिखती थी। इस सबसे परेशान होकर नैंसी बात की तह तक पहुंचने का फैसला करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैंसी बंगले के केयरटेकर से यहां रहने वाले माँ और बेटे के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि यहां रहने वाली लड़की क्लॉडिया थी जिसने अपने ही बेटे को डुबाकर मार दिया था, जिसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली। नैंसी ओनर को बताती है कि उसने यहां क्लॉडिया और उसके बेटे की परछाई देखी है, लेकिन केयरटेकर यह सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से घोस्ट वगैरह नहीं होती और ऐसी अफवाह इस जगह के बारे में ना फैलाई जाए। वो कहता है कि 30 साल बीत चुके हैं तो इन चीजों पे बिलीव मत करो। साथ ही हम देखते हैं कि एडगर को भी नैंसी की बातों पे यकीन नहीं था। इस दौरान नैंसी नोटिस करती है कि एटिक में डनलिंस वापस आ गए और दोनों हस्बैंड वाइफ अपना मन मुटाव भूल कर वापस रिसर्च में लग जाते हैं। ऐसे ही एक सेशन के दौरान नैंसी एटिक के ठीक बाहर एक बच्चे को भीगे कपड़ों में खड़ा देखती है जो उसे बताता है कि उसकी माँ उस पर गुस्सा है। नैंसी इस बच्चे का पीछा करते हुए कमरे तक आती है जहां उसे पहली बार क्लॉडिया क्लियरली दिखाई देती है। क्लॉडिया काले कपड़ों में थी और बहुत भयानक दिख रही थी। वो चीखते हुए नैंसी के पीछे आती है सेइंग व्हाट हैव यू डन। नैंसी दौड़कर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है जहां उसे एक कोने में वही बच्चा खड़ा दिखाई देता है। बाहर से उसे अब भी क्लॉडिया की चीख सुनाई देती है और वो उसे वहां से चले जाने को कहती है। ये बच्चा काफी डरा हुआ था और नैंसी एक ऐसी माँ होने के नाते जिसने अपने बच्चे को खोया है इसके दर्द को समझ पाती है। नैंसी इस बच्चे को प्यार से रोशनी की तरफ आने को कहती है और उससे क्लॉडिया की तरफ से माफी मांगती है। नैंसी की बात सुनकर ये बच्चा पहली बार अपने अंधेरे कोने से निकलकर बाहर आता है और बाहर आते ही सूरज की रोशनी में गायब हो जाता है। इसके बाद क्लॉडिया की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है जहां नैंसी एटिक में वो सीन देखती है जहां क्लॉडिया ने अपने बेटे को मारने के बाद खुद को मार लिया था। इन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिलते ही डनलिंस भी एटिक से चले जाते हैं, सिग्निफाइंग कि इन आत्माओं का दर्द ही वो कारण था जिससे वो बार बार यहां आते थे। डनलिंस के स्वभाव में किसी भी मैन मेड ऑब्जेक्ट पे आना नहीं है। एंड सीन में नैंसी भी अपने बेटी के डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है और उसका और एडगर का पैचअप हो जाता है, जिसके बाद वो साथ में डनलिंस को उड़ते हुए देखते हैं। तो ये थी फाइनल एपिसोड की कहानी जो कि अगेन ग्रीफ और एक्सेप्टेंस रिलेटेड हॉरर है। इस कहानी में पिछली सारी कहानियों का तोड़ दिखाया गया जो हम एडगर और नैंसी के नजरिए से देखते हैं। इस कपल ने हाल ही में अपना बच्चा खोया है और एडगर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक कामयाब साइंटिस्ट और प्रैक्टिकल सोच रखने के कारण नैंसी अब तक अपने ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर पाई है। आइलैंड में आने के बाद नैंसी इस घर में आती है जहां उसी की तरह एक माँ रहा करती थी जिसे एक आदमी प्यार में धोखा दिया था। क्लॉडिया भी इस बंगले में अपने बच्चे के साथ उतना ही ट्रैप्ड फील होगी जितना नैंसी करती थी विदाउट एक्सेप्टिंग कि उसके साथ क्या हुआ। अंत में क्लॉडिया उसके बच्चे के दर्द से कनेक्ट करके और उन्हें मुक्ति दिला के नैंसी को भी क्लोजर मिल जाता है जिससे कि वो मूव ऑन कर पाती है। अब कहानी में हम नोटिस करते हैं कि ये आत्माएं सिर्फ नैंसी को दिखती थी, एडगर को नहीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एडगर अपने लाइफ में मूव ऑन बहुत इजीली कर जाता है, लेकिन क्लॉडिया और नैंसी एक ही दुख के शिकार थे। एपिसोड्स में ऐसी इमेजरीज भी दिखाई गई है कि नैंसी का इस घर में आना तय था। फॉर एग्जांपल, शुरू के पार्टी में जब नैंसी से पूछा जाता है कि उसे बर्ड्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो वो बताती है बिकॉज बर्ड्स में फ्रीडम मिलता है। वहीं यहाँ नैंसी के टेबल मैट पर फ्रीडम एम्ब्रॉयडर्ड मिलता है, तो दोनों में कनेक्शन है। वहीं एक सीन में हम देखते हैं कि एक हादसे से किसी डनलिन की मौत हो जाती है जिसे एडगर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसने अपनी बेटी के डेथ को किया था और कहता है कि इसकी स्किन म्यूजियम के लिए काम आएगी, लेकिन नैंसी इससे बहुत अफेक्टेड और शॉक्ड हो जाती है। लेकिन इन द एंड वो ग्रीफ के सच को एक्सेप्ट कर पाती है
और इसी के साथ एपिसोड खत्म होती है और सीरीज भी। तो बस यही थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी की 8वें एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है आपको ये लंबी सी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इनफैक्ट ये हमारे चैनल की लॉन्गेस्ट वीडियो है, तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इतना आप हेल्प कर दीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ड्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लंबी वीडियोज़ लाते रहेंगे। Peace.